हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कवर करने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है, एक तो ये कंपलसरी टॉपिक है, एग्जाम में आएगा ही, आपके बोर्ड के एग्जाम में। प्लस इस टॉपिक को अगर आप सीख जाते हैं तो आप डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स जितना भी पढ़ते हैं ये कंप्लीट समझ जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा इस पूरे टॉपिक में कुछ भी ऐसा नहीं है जो टिपिकल है। ओके, तो हम आज इस प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, इनकी कितनी प्रॉपर्टीज होती है, स्टेप बाय स्टेप कॉपी पे लिखेंगे, और 4.2 एक्सरसाइज जो हमारे पास है उसके कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर दे रखा है, कुछ पढ़ेंगे आप, लिखा हुआ है इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव लर्न हाउ टू एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट। आपने पिछले सेक्शन में यानी कि डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, ये सीखा। कहता है इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट व्हिच इंप्लाइज इट्स इवैल्यूएशन बाय ऑब्टेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ रो और अ कॉलम। तो यानी कि यहां पर हम प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं। अब प्रॉपर्टीज यूज कैसे होगी, क्या होती है, उसका क्या वेरिफिकेशन है, इसको हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले कॉपी पेन उठाइए और लिखिए सम यूजफुल प्रॉपर्टीज, सम यूजफुल प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट्स। ओके, तो सबसे पहले आपको लिखना है कुछ यूजफुल प्रॉपर्टीज जो डिटर्मिनेंट की होंगी, ये आपको लिखना है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के नाम से, ठीक है ना, ये आपने लिख लिया। अब उसके बाद नंबर एक डालिए, जल्दी से लिखिए कॉपी पे, नंबर एक, प्रॉपर्टी नंबर एक। वो ये कहती है, प्रॉपर्टी नंबर एक ये कहती है कि अगर कोई भी एलिमेंट डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ऐसे दे रखा हो, ए वन ए टू ए थ्री, उसके बाद बी वन बी टू बी थ्री, उसके बाद सी वन सी टू सी थ्री, मैंने ऐसे जनरली नाम रख दिए। अगर मैं उसमें किसी भी डिटर्मिनेंट में रो को चेंज करके कॉलम बनाता हूं, यानी कि ये रो है, इसको चेंज करके मैं कॉलम बना देता हूं, यानी कि अगर मैं लिखूं इस तरीके से, यहां पर लिखूंगा ए वन ए टू ए थ्री, फिर सेकंड रो जो आपको दे रखी है ये सेकंड रो है, मैं सेकंड कॉलम बनाऊंगा इसका, यानी बी वन बी टू और बी थ्री, उसके बाद थर्ड कॉलम रो दे रखा है आपको, थर्ड रो, इसका थर्ड कॉलम बनेगा सी वन सी टू और सी थ्री। अगर मैं रो को चेंज करके कॉलम बनाता हूं, रो को चेंज करके कॉलम, या कॉलम को चेंज करके रो, यानी कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करता हूं, तो मैट्रिक्स में उसे क्या नाम बोला जाता था, मैट्रिक्स में उसे बोलते थे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज, और उसको इस निशान से दिखाते थे। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है और अगर उसका ट्रांसपोज करना है तो आप रो को कॉलम बना देते थे, यही काम करते थे। यहां पर आपको बताया गया था मैट्रिक्स पर कि अगर ए बराबर ए ट्रांसपोज के आ जाए तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हमेशा ए बराबर ए ट्रांसपोज के नहीं आएगा, यह भी बात आपको पता थी। स्पेसिफिक एक जगह थी जहां सिमेट्रिक, कौन सी सिचुएशन थी, सिमेट्रिक, जहां पर ये दोनों बराबर आते थे मैट्रिक्स के अंदर। आपको बात समझ में आती है, मैट्रिक्स का सिंबल ये होता है, ये सिंबल मैट्रिक्स है। अब बात डिटर्मिनेंट की करते हैं, डिटर्मिनेंट का सिंबल ये है, इस तरीके से दिखाते हैं। तो अगर डिटर्मिनेंट में रो चेंज इनटू द ट्रांस कॉलम करते हैं, अगर रो चेंज इनटू द कॉलम, तो ये पहली प्रॉपर्टी बन जाती है और ऑलवेज ये इक्वल आएगा। अब आपको डाउट हो तो आप कोई भी क्वेश्चन करके देख सकते हैं, टू बाई टू का, चाहे वो टू बाई टू का हो, चाहे वो थ्री बाई थ्री का हो, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई भी क्वेश्चन करके देखें, आप इसको सॉल्व करना जान गए डिटर्मिनेंट से, प्लस माइनस प्लस करके कैसे सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व करें प्लस माइनस प्लस करके, और जब देखेंगे तो दोनों के आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएंगे, इक्वल। तो आपको समझ में आया, पहली प्रॉपर्टी आपने अपनी कॉपी पे जरूर लिखी होगी, अगर अभी तक नहीं लिखे तो जरूर लिखें, नंबर एक लिखें और उसमें आप सीधे सीधे ये लिख लीजिए कि ये दोनों इक्वल होते हैं। अच्छा, इसने क्या किया, पहली प्रॉपर्टी को यहां पर बताया है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। कहता है जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की वो नहीं बदलती
अनचेंज रहती है अगर रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इसका वेरिफिकेशन के लिए इसने एक वैल्यू ली है, उसके बाद इसे सॉल्व करके दिखाया। आपको इसकी जरूरत नहीं है कि इसको वेरीफाई करें, अदरवाइज अगर पेपर में ऐसा कुछ आ जाए वेरीफाई करें तो कोई भी एक वैल्यू लेकर उसे वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन आज तक पेपर में वेरिफिकेशन तो नहीं आया, तो टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। अब देखिए अगला क्या करते हैं हम, अगले में इसने आगे भी क्या समझाया आगे देख लेते हैं। आगे इसने समझाया है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, ये लाइन। ओके, इन्हें ऊपर तो वेरीफाई किया, उसको मैंने स्किप कर दिया क्योंकि जरूरत नहीं है, मैंने वो बात आपको यहां समझा दी है जो बात इसने लिखी थी। अब यहां पर लिखा है इट फॉलोज द अबव प्रॉपर्टी, जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी है, कहता है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। यानी कि इस प्रॉपर्टी से कंडीशन बनी और वो कंडीशन ये है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने यहां लिखवा दी है जो एनसीईआरटी में ही लिखी हुई है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और बच्चे सोचते हैं ये क्या बराबर होंगे, तो यहां पर मैंने कंडीशन बता दी क्योंकि आपको ए और ए का ट्रांसपोज का अगर डिटर्मिनेंट निकालना पड़े तो पहली प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट कहती है यस इट इज इक्वल। ओके, नेक्स्ट के पास चलते हैं। यहां पर इसने कुछ नोट में दिया है, यहां पर आप इसे पढ़िएगा, अगर समझ में नहीं आता है तो मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, अदरवाइज इसमें जो इंपॉर्टेंट बात नहीं लिखी हुई है। फिलहाल आपको जो पहली प्रॉपर्टी है उसको वेरीफाई करा है विद एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके आपको इसे सॉल्व किया, आंसर आया इसका आंसर माइनस का 20। फिर उसके बाद इंटरचेंजिंग द रो कॉलम, यानी कि जो रो है उसको कॉलम बनाया, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाया और इवेल्युएट किया। अगर आपने 4.1 एक्सरसाइज की है तो आपको समझ में आया होगा कैसे इवेल्युएट किया, आंसर निकाला, आंसर सेम आया माइनस का 28। पहली प्रॉपर्टी समझ में आई, तो आपने लिखा सम यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट और पहली प्रॉपर्टी लिख दिया। अब इसी के नीचे आप लिखिए सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, और क्या लिखेंगे प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में, उसमें आप लिखेंगे सबसे पहले लिखिए A1, A2, A3, उसके बाद B1, B2, B3, उसके बाद C1, C2 एंड C3, ये आपने प्रॉपर्टी लिख दी। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या बताने की कोशिश की है, क्या कहता है, कहता है इफ एनी टू रोज एंड कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंज। क्या बताने की कोशिश कर रहा है जरा देखते हैं। देखो ये है हमारे पास फर्स्ट रो, ये है हमारे पास सेकेंड रो, ये है हमारे पास थर्ड रो। अगर मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम को इंटरचेंज करता हूं, मैं तीन ऑप्शन देता हूं। देखो पहले ऑप्शन में मैंने क्या किया, R1 को इंटरचेंज किया R2 के साथ, या फिर R1 को इंटरचेंज किया R3 के साथ, या फिर R1 को इंटरचेंज किया R2 को इंटरचेंज किया R3 के साथ। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन ले लीजिए। पहले वाले की ऑप्शन की बात करते हैं, तो पहले वाले ऑप्शन में जब आप सॉल्व करेंगे इसे, यानी कि आपने ये वाली रो जो है फर्स्ट वाले को नीचे लिख दिया और नीचे वाली जो रो है सेकंड वाली इसे ऊपर लिख दिया, तो नया जो आंसर आएगा वो आंसर कुछ ऐसा आएगा। आप लिखेंगे B1, फिर उसके बाद B2, फिर B3, यहां पर A1, A2, A3, यहां पर C1, C2 एंड C3, ये आपने लिख दिया, बहुत सिंपल है यहां तक लिखना। लेकिन बाहर लगा दीजिए माइनस, द साइन इज चेंज। अगर आप इसको डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे प्लस माइनस प्लस करके, इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस प्लस करके, आंसर जो आएगा, अभी वेरीफाई भी कर लेंगे इसमें दे रखा है, तो आपका आंसर में सिर्फ माइनस लग जाएगा, यानी कि अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। सिंपल है, जैसे मैंने कहा R1 R2 में इंटरचेंज होगा तो निशान बदल जाते हैं डिटरमिनेंट करते वक्त, और अगर मान लीजिए R2 R1 और R3 में चेंज होगा तो भी साइन चेंज हो जाएंगे। यानी कि अगर आप ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर लिखे, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं चेंज करूं इस क्वेश्चन को, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास C1 C2 C3, यहां पर B1 B2 B3 और यहां पर A1 A2 A3। इंटरचेंज का मतलब कि जिसकी जगह रिप्लेस कर रहे हैं दोनों एक दूसरे की जगह, बाकी नहीं बदलेगा, जिसको हम बदल रहे हैं, बदलना चाहते हैं वो चेंज हो। तो ये सेकंड वाली कंडीशन हो गई, देखो C1 नीचे वाला ऊपर पहुंच गया और A1 नीचे आ गया,
पूरी की पूरी कंडीशन। तो इस केस में अगर इन दोनों को मुझे इक्वल करना है तो यहां माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस वन भी लिख सकते हो आप। तो ये है आपकी कंडीशन। ऐसी तीसरे वाले में भी देखो आर वन आर टू और आर थ्री को भी चेंज कर सकते। तो जैसे आर के साथ चेंज हुआ है ऐसे अगर आप ऊपर से देखें तो सी वन सी टू और सी थ्री में भी चेंज हो सकते हैं। अगर इन दोनों में चेंज होंगे सी वन सी टू की जगह ले लेगा, सी टू सी वन की जगह ले लेगा, तो नेगेटिव टाइम्स चेंज हो जाएगा, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा। ऐसे ही सी टू और सी थ्री में चेंज हो सकता है, ऐसे ही सी वन और सी थ्री में भी चेंज हो सकता है। तो इसी को इसने करके दिखाया है। पहले इसने एक वैल्यू ली है डेल्टा लेके और उसके बाद उसे सॉल्व किया है, उसके बाद इसको हमने चेंज किया। चेंज क्या किया इसने, इसने R1 और C1 में चेंज किया है, R1 और सॉरी C1 नहीं, R1 और R3 में, R1 इंटरचेंज टू R3 किया है, इंटरचेंज टू R3 देख सकते हो। यहां पर ऊपर लिख दिया इन्होंने C1 और नीचे लिख दिया A1, ठीक है ना, ये वाली लाइन, और सॉल्व किया तो आंसर बिल्कुल सेम आया, बस माइनस टाइम चेंज हुआ। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से हुआ ये सब। आगे आपको कहता है वी कैन डिनोट द इंटरचेंजिंग द रो कॉलम इन दिस। तो मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से इंटरचेंजिंग को डिनोट करते हैं। अब यहां पर इसने एग्जांपल दिया है, एग्जांपल नंबर 7 है। आप इसे बिल्कुल तरीके से करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे प्लस माइनस प्लस करके तो इसका आंसर आएगा एक, और वो आया है माइनस का 28। और कैसे आया है, ऊपर वाले एग्जाम्पल में जो बताया था वही इसने यहां पर भी समझाने की कोशिश की, ठीक है ना। उसके बाद इसने नेक्स्ट करना है इसमें, इसके बाद इसने नेक्स्ट जो किया है वो नेक्स्ट क्या किया है देखिए, दो मिनट, हाँ इसने नेक्स्ट किया है। नेक्स्ट इसमें क्या किया गया है, इसने इंटरचेंज कर दिया R2 को R3 में, यानी कि R2 को नीचे लिख दिया, R3 को ऊपर लिख दिया, देख सकते हो 15-7 और 604। बहुत सिंपल है ना, बिल्कुल क्लियर है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आया 28, ऊपर आंसर आया था माइनस 28, यहाँ आया 28, तो माइनस टाइम चेंज हो गया। तो सेकेंड प्रॉपर्टी भी वेरीफाई होगी। आपको ये सब चीजें देख जो देख रहे हैं आप खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए कर भी सकते हैं, अदरवाइज मैं तो आपको अनसॉल्व क्वेश्चन कराऊंगा। आपने सेकेंड प्रॉपर्टी क्वेश्चन में लिख ली है, अब चलते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी के पास। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड लिखिए जल्दी से, तीसरा नंबर लिखना जरूर है आपको ये प्रॉपर्टी कॉपी पे। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आपके सामने A1, A2, A3 और उसके बाद B1, B2, B3 और उसके बाद A1, A2, A3 इस तरीके से कोई सिचुएशन दे रखी है जिसमें कोई भी रो या कोई भी कॉलम एक जैसा है, आइडेंटिकल है, यानी कि इसमें देखो R1 जो है R3 के बराबर है, R1 बराबर है R3 के, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आंसर आएगा जीरो। आप इसे इवेल्युएट करके भी जीरो कर सकते हो। तो कोई सी भी रो और कोई सा भी कॉलम बोल रहा हूं, इसका मतलब R1 R3 के बराबर हो गया, या R1 R2 के बराबर हो गया, या R2 R3 के बराबर हो गया, कोई सी भी एक सिचुएशन आ जाती है तो जीरो बोल देंगे उसके डिटर्मिनेंट को, क्लियर। ऐसे ही C1 और C2 के बराबर आ गया, या C2 C3 के बराबर आ गया, या C1 और C3 बराबर आ गया, तो भी ये कंडीशन जीरो कहलाएगी। तो इसका आपको यहां पर एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 8, इसे देखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, दो मिनट। आई थिंक पेन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, हाँ ठीक है। तो ये आप सॉल्व करेंगे देन समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली प्रॉपर्टी देखनी है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 कॉपी पे लिखते चले जाइए मेरे साथ साथ। नंबर 4 की प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर आपको कोई भी डिटरमिनेंट दे रखा हो, लाइक एक ए ए डिटरमिनेंट है और उसे दे रखा है ए वन ए टू ए थ्री, फिर उसके बाद बी वन बी टू बी थ्री एंड देन सी वन सी टू सी थ्री, ये आपको एक डिटरमिनेंट दे रखा है। कहता है इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम, किसी भी एक में, रो में या कॉलम में, कहता है ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाय के। यानी कि अगर मैं यहां पर किसी भी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कराऊंगा इसमें, किसी भी रो में इंडिविजुअली या किसी भी कॉलम में, जैसे कि मैं यहां कराता हूं के की मल्टीप्लाई, के ए हो जाएगा, तो यहां भी के की मल्टीप्लाई होगी, इस तरीके से मल्टीप्लाई होगी ए वन ए टू ए थ्री की, बी वन B2, B3 की और C1, C2, C3। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, ये K की मल्टीप्लाई किसी भी एक रो या एक कॉलम में ही हो सकती है, यही डिटरमिनेंट का नियम है। यानी कि इसे फर्स्ट रो के साथ लिखा जा सकता है, या फिर सेकंड के साथ, या फिर थर्ड, एक बार में एक के साथ मल्टीप्लाई। तो इसे लिखेंगे K A1, K A2, K A3, उसके बाद B1, B2,
B3, उसके बाद C1, C2, C3। तो क्या सीखा आपने? जैसे कि मैट्रिक्स अगर होती मैट्रिक्स तो उसमें ऐसा नहीं होता। अगर मैं K की मल्टीप्लाई A मैट्रिक्स में करता तो ऐसे निशान लगाता मैट्रिक्स का और सब में मल्टीप्लाई करता के A1, के A2, के A3, फिर उसके बाद के B1, के B2, के B3, उसके बाद के C1 और के C2 और के C3। मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होती है तभी तो वो मैट्रिक्स कहलाती है। ये डिटरमिनेंट है, निशान अलग है, रिप्रेजेंटेशन अलग है, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगी। तो अगर अगर मुझे किसी भी एक संख्या की सिर्फ मल्टीप्लाई करानी है तो या तो मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराऊंगा, जैसे लेफ्ट में भी और राइट में भी, अगर एक ही साइड दे रखी है, दो साइड नहीं दे रखी, तो जो मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। जैसे इस सिचुएशन में अगर ऐसा आता है तो बाहर 1/k भी लिखूंगा और अंदर भी k की मल्टीप्लाई कराऊंगा, ऐसे करना पड़ेगा, मतलब डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी, ताकि ये बाहर कॉमन आ जाए और k से k बाद में कट जाए, क्वेश्चन वही बन जाए। तो ये हम जब क्वेश्चन करेंगे और डिटेल में समझेंगे, फिलहाल आपको समझना है कि मल्टीप्लाई कैसे लिखा जाता है। तो लिखा कैसे जाता है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये आपके सामने है और इसका यहाँ पर रिमार्क पढ़ना है। रिमार्क तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका, है ना, ये पहला और दूसरा। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, कहता है बाय दिस प्रॉपर्टी वी गेट टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो और एनी वन कॉलम ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट। यानी कि इस प्रॉपर्टी से ये पता लगा कि अगर हमें कोई चीज कॉमन लेनी है, जैसे कि ये हमारे पास संख्या है, तो मैं एक रो में से पार्टिकुलर कोई संख्या बाहर कॉमन ले सकता हूं, इस तरीके से बाहर लिख सकता हूं, अंदर से कॉमन आ गया, तो ये इसमें हो सकता है। मैट्रिक्स में सारी संख्याओं में से कॉमन लेना होता था। आगे कहता है इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट आर प्रोपोर्शनल इन द सेम रेशियो देन इट्स वैल्यू इज जीरो। क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। ये कहता है जैसे 9th एग्जाम्पल है आपके सामने, ये आपके सामने है 102, 18 और 36। आप देखोगे तो इसमें से 17 कॉमन आ रहा है, 17 कॉमन आ रहा है। 17 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहां से कॉमन ले, 17 नहीं आ रहा कॉमन, यहां से आ रहा है 6 कॉमन, सॉरी 17 कॉमन नहीं आएगा, सॉरी 6 कॉमन आएगा। 6 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 17, 6 कॉमन लेंगे यहां से तो आएगा आपके पास कितना, 6 3 18 3, और 6 कॉमन लेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 6। फिर नीचे वाली संख्या सेम 1 3 और 4, और यहां लिखेंगे 17 3 और 6। आप गौर से देखेंगे कि अगर ये संख्या और ये संख्या R1 इज इक्वल टू R3 आ जाए, तो अभी पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी आपने 6 × 0, यानी कि आंसर 0। यही कह रहा है यहां पर कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट्स आर प्रोपोर्शनल, एक ही रेशो में होंगे अगर, यानी कि सेम रेशो में, तो इसका मतलब वो जीरो वैल्यू कहलाएगा। तो सेम रेशो में आया ना, ये दोनों के दोनों की रेशो सेम थी R1 और R3 की, तो आपको ये आंसर भी इसने निकाल के दिखा दिया यूजिंग प्रॉपर्टी 3 और 4। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5 आ गई है, जल्दी से कॉपी पे लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 5। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 कैसे लिखेंगे, आप देखिए यहां पर अगर मैं लिखता हूं A1 प्लस B1, फिर उसके बाद A2 प्लस B2, फिर उसके बाद आगे लिख लेते हैं A3 प्लस B3, ये मैंने लिख लिया। यहां पर लिख लिया आपने PQR, यहां पर लिख लिया ABC, अपनी मर्जी से मैंने कुछ भी लिख लिया। किसी भी एक रो के अंदर इस तरीके से एडिशन हो रहा हो या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, किसी भी रो का मतलब R1 में, R2 में या R3 में, किसी भी कॉलम का मतलब C1 में, C2 में या C3 में, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में इस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो आप इसे सेपरेट कैसे लिखेंगे, इसका आंसर आएगा A1 P फिर A फिर A2 Q B फिर A3 R और C। यानी कि आगे वाले एलिमेंट्स जो थे, ये वाले एलिमेंट्स आपने अलग कर लिए, बीच में निशान प्लस का है तो आप यहां प्लस का निशान लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे B1 B2 B3 PQR और ABC। तो क्या समझ में आया आपको, किस तरीके से आपने ऐड कर दिया। अगर इसी को आप मैट्रिक्स में लेके जाए तो उसमें ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैट्रिक्स में दोनों की दोनों मैट्रिक्स वापस जोड़ के आपका ये आंसर नहीं आ सकता, ये मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये तो डिटरमिनेंट है,
डिटरमिनेंट तो सीधा सीधा जुड़ता नहीं है, डिटरमिनेंट में सॉल्यूशन तो ऐसे होता है, इसको भी इवेल्युएट करिए, इसको भी इवेल्युएट करिए, दोनों का आंसर जब सॉल्व करेंगे और इसका आंसर जो सॉल्व होगा वो बिल्कुल क्या इक्वल आएगा। इससे खुद भी कर रखा है, ये वेरीफाई कर रखा है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चला है और वेरीफाई करके, किसी को डाउट हो तो इस तरीके से वेरीफाई करके देख लें। अगर आपको डाउट नहीं है तो सीधा सीधे क्वेश्चंस पे आ जाए, क्वेश्चंस को करके देख लें, ये 10th एग्जांपल है, इसे करके देख लें। अब चलते हैं हम छठी प्रॉपर्टी के पास। आप कॉपी पे छठी प्रॉपर्टी लिखेंगे और ये प्रॉपर्टी तो कुछ है ही नहीं। इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि आप कभी भी, जैसे कि आपके सामने है A1, A2, A3, ये ऑपरेशन कह सकता हूं इसे प्रॉपर्टी ना बोल के, फिर B1, B2 और B3, उसके बाद C1, C2 एंड C3, ये तीन नंबर्स दे रखे। आपको सबसे पहली कंडीशन आपको याद रखनी है, पहली कंडीशन कि अगर मुझे R1 में चेंज करना है, R1 में, तो मैं अगर किसी की मल्टीप्लाई कराना चाहता हूं, जैसे कि K इंटू R1 कराना चाहता हूं, तो मैं मल्टीप्लाई करा सकता हूं, और बशर्ते जब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो उसके एवज में मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। जैसे कि ये एक ही साइड है, दो साइड तो है नहीं, तो मैं पहले K से डिवाइड भी करूंगा और मल्टीप्लाई भी करूंगा K A1, K A2, K A3, उसके बाद B1, B2, B3, C1, C2, C3, समझ में आया, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट तो ये हुआ। अगर R1 के साथ किया, ऐसा ही R2, R3 के साथ कर सकते हैं, ऐसे ही C1, C2 और C3 के साथ कर सकते हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये दूसरा साइड भी होता यहां पर, तो हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, दोनों साइड, तो फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। ऐसा 3.4 एक्सरसाइज में किया था, वहां पर मैट्रिक्स थी और वहां मल्टीप्लाई कराते हैं, दोनों साइड दे रखी थी, लेफ्ट भी और राइट भी। तो यहां पर ऐसा नहीं करना, अगर एक साइड है तो उस केस में आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, दोनों साइड है तो मल्टीप्लाई से काम चल जाएगा। ओके, दूसरी कंडीशन इसने क्या बताई है, वो कंडीशन ये है कि अगर आप कोई संख्या मल्टीप्लाई करके एड और सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हो, लाइक जैसे कि R1 टेंस टू R1 प्लस का KR2, उस केस में आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा कर लोगे। ये दूसरा केस मैंने बताया है आपको, जैसे कि R1 में चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, R1 प्लस KR2, R1 मतलब कि A1 प्लस KR2 का मतलब P1, समझ में आया। R1 प्लस KR2, R1 का मतलब कितना हो गया आपके पास A2 प्लस का K B2, R1 का मतलब A3 प्लस का K B3। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, ये जो बनाया है, ये हमने 3.4 में भी किया था। अगर आपने नहीं किया तो पहले उसे करें एक्सरसाइज को, देन 4.2 में अच्छा आपको समझ में आएगा। ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3। अच्छा, कुछ कंडीशंस हैं जो याद रखनी है, जैसे कि जिसमें भी आप यहां चेंज कर रहे हैं, आपने R1 में चेंज किया, किसी में भी कर सकते हो, R2 में, C1 में, C2 में, उसी को सबसे पहले लिखा जाता है, एक कंडीशन। और जिसमें भी आप चेंज कर रहे हैं उसमें जब यहां लिखेंगे तो कोई भी संख्या यहां मल्टीप्लाई या डिवाइड में नहीं होनी चाहिए, मल्टीप्लाई या डिवाइड में यहां कुछ भी नहीं होना चाहिए, वन रहना चाहिए। सेकंड, अगर एक से ज्यादा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने R1 किया तो R2 में भी चेंज करूंगा, R2 में चेंज करूंगा और यहां पर कुछ भी लिखूंगा, लेकिन यहां पर R1 नहीं लिखा जा सकता, यानी चेंज करते वक्त जो इसी स्टेप में पहले चेंज हुआ है वो नंबर्स यहां नहीं लिख सकते, पॉसिबल नहीं है। यहां पर R2 लिख सकता हूं, R3 लिख सकता हूं, लेकिन R1 यहां पर प्रोहिबिटेड है, नहीं लिखा जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड है। अब ये बातें हमें धीरे धीरे और एक्सप्लेन करनी है, फिलहाल छठे नंबर की प्रॉपर्टी को डिटेल में पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जो मैं रो लेके कर रहा हूं वो कॉलम लेके भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। अब यहां पर इन्हें रिमार्क दिया है, वो रिमार्क जो मैंने समझाया वही है। यहां पर कहता है Δ1, डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे मैं A से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेंड बाय अप्लाइंग दिस, इस तरीके से अप्लाई करने के बाद आया है, टू द डिटरमिनेंट ऑफ दिस, तो नया जो डिटरमिनेंट आया उसमें K की मल्टीप्लाई होती है, तो मैंने कंडीशन बता दी। दूसरी कंडीशन इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, इफ मोर देन वन ऑपरेशन लाइक ए आई टेंस टू आर आई प्लस का के आर जे, इस तरीके का ऑपरेशन लगा है। आई का मतलब कोई भी ऑपरेशन, जैसे कि R1 हो सकता है, R2 हो सकता है, R3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, इस तरीके से कहता है इज डन इन वन स्टेप मोर देन वन, एक से ज्यादा अगर एक स्टेप में यूज करेंगे, कहता है केयर शुड बी टेकन टू सी दैट अ रो दैट इज अफेक्टेड इन द वन ऑपरेशन शुड नॉट बी यूज्ड इन द नेदर ऑपरेशन। अभी मैंने बताया जैसे कि इसके साथ मुझे R2 भी लिखना है, तो R2 लिखना है, और अगर आपने यहां पर R2 के अंदर लिख दिया R1 प्लस का R3 ऐसा कुछ,
तो ये वाला आर वन एक ही स्टेप के अंदर आपने सॉल्व किया है, एक ही स्टेप। अगर ये दो अलग अलग स्टेप है, इसके बीच में अगर कोई नंबर लिखे हुए तो चल जाएगा, एक ही स्टेप में आप दोनों लिखना चाहते हो ये एंड ये, तो एक ही स्टेप में आर वन दोबारा यूज नहीं कर सकते यहां, क्योंकि अभी उसका इस्तेमाल अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसका अंडर कंस्ट्रक्टेड फॉर्म ये है और इसी को अभी कंस्ट्रक्ट किया नहीं है, और यहां कैसे बता देंगे आप। तो इसका मतलब एक साथ यहां पर आर टू लिख सकते हैं, आर थ्री लिख सकते हैं, लेकिन वन नहीं लिख सकते, ये बोल रहा है इस वाले नोट्स में। रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें बच्चे छोड़ देते हैं। मैंने कहा ना एनसीईआरटी को कंप्लीट स्टूडेंट करते ही नहीं है और कहते हैं मैथमेटिक्स कठिन है और स्कोर भी कम आता है। अगर आपको स्कोर हाई करना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर टॉपिक, हर लाइन, हर वर्ड को पढ़ना है। तो अब आपने ये सारी प्रॉपर्टीज लिख ली होंगी, कितनी प्रॉपर्टीज लिखवाई मैंने, छह प्रॉपर्टीज लिखवाई है, छठी वाली प्रॉपर्टी नहीं है, वैसे पांच होती है प्रॉपर्टी, छठे वाला ऑपरेशन है। ग्यारहवा एग्जाम्पल आपका होमवर्क है, ऐसे ही बारहवा, तेरहवा एग्जाम्पल, फोर्टीन है, देन फिफ्टीन एंड देन सिक्सटीन, सिक्सटीन तक के एग्जाम्पल्स आपको करने हैं, ये आपका काम है, आप करेंगे। और सिक्सटीन एग्जाम्पल कब करेंगे वो मैं बताता हूँ, अभी नहीं करेंगे। आप सबसे पहले 4.2 के जो मैं आज क्वेश्चंस कराने वाला हूं, पहले उसे एक एक करके करें कॉपी पे, जब ये कंप्लीट हो जाए 4.2 जो अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, देन उसके बाद आप एग्जांपल्स ट्राई करेंगे। ओके, तो अभी फिलहाल हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी कॉपी पेन आपने निकाल रखा है, आप उसमें मेरे साथ साथ करेंगे। यहां कहता है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1-7। तो यानी कि आज की क्लास में हम सिर्फ 7 तक क्वेश्चंस कराएंगे और 7 तक क्वेश्चन में विदाउट एक्सपेंडिंग आपको काम करना है। एक्सपेंड करना मतलब क्या, 4.1 में जो आपने इवेल्युएट किया था, यानी जो डिटरमिनेंट निकाला था प्लस माइनस प्लस करके, उसे एक्सपेंड करना कहते हैं। तो वो एक्सपेंडिंग के बगैर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और कैसे सॉल्व करने हैं वो आज की क्लास में हम देखेंगे। तो देखो यहां पर कहता है प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, पहला क्वेश्चन है उसमें अगर कभी भी विदाउट एक्सपेंडिंग कहता है ना, कभी भी विदाउट एक्सपेंडिंग कहता है, तो या तो इसका आंसर जीरो आएगा या इसका आंसर डिटरमिनेंट में आएगा, याद रखना। तो देखोगे इसके आंसर्स या तो जीरो आ रहे हैं या फिर डिटरमिनेंट में आ रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, आप सॉल्यूशन लिखेंगे पहले क्वेश्चन का, आप लिखेंगे इस तरीके से कुछ, यहां लिखेंगे एक्स, यहां लिखेंगे वाई और यहां लिखेंगे जेड, फिर ए बी और सी एंड देन एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एंड जेड प्लस सी, और उसके बाद आप इक्वल टू लिख देंगे जीरो। अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आपने जो पीछे प्रॉपर्टीज पढ़ी, कुछ समझ में आई कुछ समझ में नहीं आई, परेशान मत होइए, जैसे ही उन सभी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हम क्वेश्चंस में करते चले जाएंगे, पांच तो प्रॉपर्टीज ही हैं, यूं ही सीख जाएंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, इसे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, मेरी बात सुनिए, मैं यहां पर लिखने वाला हूं सी वन टेंस टू सी वन प्लस सी टू। मैंने अपनी मर्जी से एक प्रॉपर्टी, एक ऑपरेशन बनाया, और मैंने क्यों बनाया, इसका रीजन क्या है, मैंने ये देखा कि ये है आपके पास सी वन और ये है आपके पास सी टू, दोनों को जोड़ देंगे तो सी थ्री बन जाएगा, और जैसे ही कोई भी दो एलिमेंट यानी कि दो रो या दो कॉलम्स अगर आपको इक्वल मिल जाए, आइडेंटिकल मिल जाए, तो जीरो हो जाएगा। तो मेरा बड़ा आसान काम है, मैंने इसे समझ लिया, आपको ये चीज लिखनी है। अब C1 में C2 को कैसे जोड़ना है वो आपको आना चाहिए, ये C1 है ये C2 है, दोनों को बस जोड़ना है। तो यहां लिखूंगा X प्लस A, यहां लिखूंगा Y प्लस B, यहां लिखूंगा Z प्लस C, यहां लिखूंगा A, यहां B, यहां C, यहां पर X प्लस A, Y प्लस B और Z प्लस C। तो आप देखेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड आंसर लेके आना है, आप देखेंगे कि C1 बराबर है C3 के, सो इट इज जीरो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। सिंपल है, आपने समझ लिया। अगर कोई स्टूडेंट कहे कि सर हमने तो ऐसे नहीं किया, तो हमने इस पे कोई और प्रॉपर्टी लगाई है, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, हमने लास्ट वाले को यानी कि C3 को हमने क्या किया, सेपरेट कर दिया, प्लस वाली प्रॉपर्टी ये बता रही थी, चलो मैं करके दिखाता हूं क्या किया हमने, किया है सर एक्स वाई जेड ए बी सी और एक्स वाई जेड अलग कर दिया, प्लस का निशान लगाया बीच में, फिर एक्स वाई जेड ए बी सी, फिर ए बी सी, अब की बार ये अलग कर दिया। देखो यहां पर एक्स वाई जेड की सीरीज अलग है और ए बी सी की सीरीज अलग है। अब आप गौर से देखोगे तो पहले वाले डिटरमिनेंट के अंदर C1 बराबर C3 के है, दूसरे डिटरमिनेंट के अंदर C2 बराबर C3 के है, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, आंसर ही जीरो आ गया, ये भी आंसर ठीक है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो नियम मैं आपको बता रहा हूं उसी नियम से क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं है। आप हर उस नियम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो आप बेस्ट समझे, जो आपको सबसे पहले कनेक्ट हो। तो मैंने आपको तरीका बता दिया है, पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और सेकंड क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए कि ऊपर लिखी हुई कोई सी प्रॉपर्टी जो आपको समझ में आई है कौन सी यूज करें कि आंसर इसको जीरो के बराबर कर दे। जल्दी से करिए, एक्सपेंड तो करना ही नहीं है, विदाउट एक्सपेंडिंग करना है। आप इसे सॉल्व करेंगे और मैं अभी आपको सॉल्व कराता हूं, वीडियो पॉज करके करिए। चलिए, आपने जो है सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल ट्राई किया होगा, मेरी बात बिल्कुल मानी होगी। अगर मानी है तो मैं आपको बताता हूं कि आपने कुछ गलती जो की है वो गलती नहीं करनी है। धीरे धीरे आप चीजें सीखेंगे, एकदम से आप एक्सपर्ट होने की सोच रहे हैं तो ऐसा मैथ्स में तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको धीरे धीरे स्टेयर बाय स्टेयर आपको एक एक सीढ़ी चढ़ाया जाएगा। तो आपने पहला क्वेश्चन समझा कि ऐसे भी जीरो हो सकता है प्रॉपर्टीज यूज करके। अब दूसरे क्वेश्चन के पास चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहां लिखा हुआ है ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। उसके बाद बी माइनस सी, सी माइनस ए एंड ए माइनस बी। उसके बाद सी माइनस ए, ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। ये आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिल गया है। लेफ्ट हैंड साइड आप लेके चलेंगे और आप कोई प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो देखो मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा, मैं लिखूंगा आर वन टेंस टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। मेरी मर्जी, मैं कुछ भी लिख सकता हूं, मैं आर वन से भी सॉल्व कर सकता हूं, मैं सी वन से भी सॉल्व कर सकता हूं। तो मैंने देखा कि आर वन मेरा ये है जिसको मैंने अभी कवर किया, ये मेरा आर वन है। और मोस्टली कंफ्यूजन यही होती है, इसमें मुझे बदलाव करना है R1 में, और क्या करना है, R2 को और R3 को मुझे जोड़ देना है, यानी कि इस पूरी लाइन को ऊपर वाले के साथ और इस पूरी लाइन को भी ऊपर वाले के साथ जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए कहा गया है, तो जोड़ने की कंडीशन लिख लेते हैं। देखो R1 क्या था, A माइनस बी, R2 क्या है, B माइनस सी, और R3 क्या है, C माइनस ए। ध्यान रखना, इसी तरीके से R1 की वैल्यू क्या है, B माइनस सी प्लस C माइनस ए प्लस A माइनस। उसके बाद आप लिखेंगे c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। अब स्टूडेंट सोचेंगे सर कह तो आप r1 रहे हो लेकिन चेंज तो आप c1 में कर रहे हो। अब देखो जो चीज आपको एक तरफ से r दूसरी तरफ से c ही दिखेगी। देखो मैं c1 में चेंज नहीं कर रहा हूं, बट क्योंकि एक साथ r2 नहीं जोड़ा जा सकता। सोचिए जरा दिमाग से, दिमाग से सोचिए कि ये मेरे पास r2 है, मैं R1 में R2 जोड़ना चाहता हूं, R1 में R2 जोड़ना चाहता हूं। तो R1 मेरे पास ऊपर लिखा हुआ है, उसमें डायरेक्ट जोड़ना चाहता हूं। तो एक साथ मैं नहीं लिखूंगा, पहले मैं इसे जोड़ूंगा फिर इसे जोड़ूंगा फिर इसे। लिखूंगा तो एक एक करके ना, लेकिन जोड़ूंगा तो एक साथ ही। इस तरीके से लिखेंगे तो बाद में तो एक साथ ही दिखेगा, लेकिन जोड़ूंगा तो एक एक करके। फिर उसके बाद इसी में मैं आर थ्री जोड़ना चाहता हूं, तो इसे भी जोड़ूंगा, इसे भी जोड़ूंगा, इसे भी जोड़ूंगा, तो एक एक करके लिखूंगा मैं। तो पहले मैंने ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा। तो इसी तरीके से जब मैं लिख रहा हूँ या फिर आप लिख रहे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा, कंफ्यूजन होगी कि ये R में नहीं C में चेंज हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखोगे भी गौर से कि ये देखिए आपके पास क्या है, ये अगर देखें तो R1 का हिस्सा है ना, ये क्या है, ये R2 का हिस्सा है, ये क्या है, ये R3 का हिस्सा है, तीनों को मैंने जोड़ा। अगर कोई बच्चा ऐसे देख रहा है तो भैया ये C1 का हिस्सा है, ये C1 का हिस्सा है, ये C1 का, ऐसा तो नहीं जोड़ रहा मैं C1 C1 C1। तो याद रखिएगा कि आप कंफ्यूज मत होइए, ये मैंने R1 में जो प्रॉपर्टी लिखी थी वो चेंज कर दी है। और आई थिंक आपने अगर 3.4 एक्सरसाइज करी है तो ये बहुत आसान लग रहे होंगे आपको। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली B माइनस C लिखना है, C माइनस A लिखना है, A माइनस B लिखना है, ऐसे ही C माइनस A लिखना है, A माइनस B लिखना है और B माइनस C लिखना है। और उसके बाद इक्वल टू जीरो तो बाद में करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। आप गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, A पॉजिटिव A नेगेटिव, B नेगेटिव B पॉजिटिव, C नेगेटिव C पॉजिटिव, सिंपल है ना। उसके बाद B पॉजिटिव B नेगेटिव, C नेगेटिव C पॉजिटिव, फिर उसके बाद A नेगेटिव A पॉजिटिव, तो ये भी जीरो। C का भी ऐसे कट हो जाएगा यहाँ पर, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो फाइनली सारी संख्याएं तो घट गई, जीरो जीरो और जीरो आ गया। और किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में एक साथ तीन जीरो मिल जाए तो इसका मतलब आंसर होता है उसका जीरो। आइडेंटिकल सिचुएशन आ जाती है। तो यहां पर आपके सामने कंप्लीट एक रो या कोई भी कंप्लीट एक कॉलम अगर जीरो होता है तो इसका आंसर क्या आता है, जीरो आता है।
अब स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये तो आपने आर में चेंज करके दिखाया और हमें काम करने के लिए दिया था, तो हमने सी में चेंज कर दिया पहले। सी मतलब कि हमने क्या किया, सी वन में चेंज किया, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, तब भी आंसर जीरो आएगा। बिल्कुल सही बोला आपने, आपका आंसर बस ऐसे आएगा जीरो जीरो जीरो, इस तरफ जीरो हो जाएगा, तब भी आंसर सही है। तो आपकी मर्जी है आप आर को लेके चले, रो को या कॉलम को, जो आपके लिए सबसे कन्वीनियंट फॉर्म होगी वो आप लेके चले। ये मैंने सेकंड क्वेश्चन करा दिया, वीडियो को पॉज करिए और थर्ड क्वेश्चन पर एक बार थोड़ा सा ट्राई करें, अपना हाथ लगाएं और देखें कि कैसे कर सकते हैं, फिर मैं इसे कराने वाला हूं। पहले वीडियो पॉज करें और अगला क्वेश्चन ट्राई करें। हम इतने रब कर देते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं आपके लिए। आप जब ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा करते थे तो उस समय टीचर जब पढ़ाते थे तो रब करा करते थे बोर्ड, और रब करने के बाद आप शांति से उन्हें देखते थे, कुछ चीज़ें दिमाग में सोचते थे, और उसके बाद फिर टीचर कहते तो थे ट्राई करिए, लेकिन ट्राई करने के बाद वो वक्त नहीं देते थे, क्योंकि एक क्लास का एक ड्यूरेशन होता है और उसमें आपको समय नहीं दिया जाता। इस बार ऐसा नहीं है, आप इस समय मेरे सामने रिकॉर्डेड वीडियो पे बैठे हुए हैं, उस वीडियो पे जब आप देख रहे हैं तो उसे आप पॉज करके आधा घंटा आप ट्राई कर सकते हैं, 5 मिनट आप ट्राई कर सकते हैं, आप एक दिन के बाद आ सकते हैं रेस्ट लेके आराम से आराम करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बहुत सहूलियत मिल सकती है अगर आप इस फॉर्म के यूज टू हो जाए। ये नहीं कि सिर्फ आपको वीडियोज देखनी है, मैं बार बार अपील करता हूँ अपने स्टूडेंट से, वीडियोज देखने से ये कुछ भी नहीं आने वाला, इससे बेहतर है आप देखें ही ना। अगर आप सोचते हैं आपका एग्जाम नियर बाय है तो आप जल्दी जल्दी देख लेंगे तो भी कुछ फायदा नहीं है। अगर आप एक पार्टिकुलर टाइम की वीडियो को एक पार्टिकुलर टाइम दे के सीख लें तो फिर आप कोई भी एग्जाम बहुत प्यार से दे सकते हैं। ये बात याद रखिएगा कि मैथ्स आपको देखने से कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको मैंने काम दिया था थर्ड क्वेश्चन करने का, आपने डेफिनेटली ट्राई किया होगा, कुछ बच्चों से हो गया होगा, कुछ बच्चों से नहीं हुआ होगा। तो जिन्होंने नहीं हुआ है उन्हें मैं करके दिखाता हूं, और जिन्होंने कर दिया है वो मैच करें कि क्या उन्होंने सही स्टेप्स फॉलो किए। 86 था सॉरी, हाँ। तो देखिए यहां पर है क्या कंसेप्ट, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि आपको जीरो बनाना है और लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है। अब लेफ्ट हैंड साइड में जरा सोचिए, अगर मैं इस सेकेंड कॉलम की मल्टीप्लाई 9 के साथ करा दो, सोचो जरा 9 के साथ बन, तो कितना हो जाएगा, 7 निम 63 63 63, और कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 निम 72 72, 9 निम 81 81, और जब मल्टीप्लाई हो जाए तो उसमें अगर मैं इसे जोड़ दूं तो 63 और 2 65, 72 और 3 75, फिर 81 और 5 86, तो बिल्कुल क्लियर है। अब इसका नाम कौन है भाई, इसका नाम क्या, इसका नाम है C2। इसमें क्या करना है, इसमें 9 की मल्टीप्लाई करानी है, और फिर उसके बाद इसमें क्या करना है, उसमें C1 को, इसे C1 बोलते हैं, C1 को जोड़ देना है, C1 को जोड़ देना है। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, हम एक कॉन्सेप्ट सीख गए, हम एक प्रॉपर्टी लगाना सीख गए, हम लिखेंगे C1 टेंस टू C1 प्लस 9 C2। मैंने बोला था कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, अगर एड भी कर रहे हैं साथ में तो फिर आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको जरूरत पड़ेगी, दोनों साइड तो है नहीं, एक ही साइड लेके चल रहे हैं आप। तो यहां पर आपको ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल सही से करना है। मैं फिर बोल रहा हूं, आप में से कई स्टूडेंट्स को ये जो मैंने लिख दिया इतनी आसानी से ये समझ में नहीं आया होगा, परेशान मत होइएगा, परेशान हो जाएंगे तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, आप खुद से एक बार ट्राई तो करें, कोशिश तो करें कि हम खुद से सीखें। जिनको आ गया बहुत अच्छी बात है, आगे कर लें, जिनको नहीं आया उनके लिए मैं कह रहा हूं परेशान नहीं। आप मुझसे जब पूछेंगे, जब मैं आपको लाइव क्लास में, जैसे जो स्टूडेंट्स को नहीं आता है ना मैथ्स, तो वो लाइव क्लास में सीखने की कोशिश करते हैं, लाइव में हम उनको इंडिपेंडेंटली एक अटेंशन देते हैं कि भाई आप ऐसा करो, फिर बच्चा एक बार एक क्वेश्चन करना सीख जाता है ना, दूसरा क्वेश्चन करने खुद लग जाता है। यही एक तरीका है मैथ्स को अच्छे से बताने का। तो अब तो हमारे पास प्लेटफॉर्म है, आप लाइव क्लास ले सकते हैं जिसमें से मैं आपको इसी तरीके से स्क्रीन शेयर करके आपकी बात सुन सकता हूं, आपको देख सकता हूं, आप मुझे देख सकते हैं, और हम दोनों बैठकर एक साथ ऐसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी तो है कि अगर कोई पार्टिकुलर चीज आपको नहीं आ रही है तो उसे कैसे सीखा जाए। हाँ, अगर इसे देखने से आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो लाइव में आएंगे ना, आप सीख सकते हैं। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो मैंने इसको क्वेश्चन को करना है C1 की प्रॉपर्टी यूज करने, C1 में चेंज करना, C1 मतलब ये है C1,
क्या चेंज करना है C1 में, C1 है ये आपका, इसमें क्या चेंज करना है, चेंज ये करना है कि C1 यानी कि ये 2 प्लस का 9, फिर C2 मतलब 7 इंटू 7, बिल्कुल क्लियर है। फिर उसके बाद C1 यानी कि यहां पर 3, फिर प्लस का 9 इंटू 8, फिर उसके बाद 5 प्लस का 9 इंटू 9। तो आपको समझ में आया किस तरीके से आप चेंज कर रहे हैं, किस तरीके से कंडीशंस बन रही है। अच्छा, उसके बाद ये कॉपी कर लेना है 7, 8, 9, 65, 75 और 86, ये बिल्कुल सीधा सीधा कॉपी कर लेना है, फ्लैट कुछ नहीं करना है इसमें, यही तो कंडीशन है। अगर आपने 3.4 एक्सरसाइज करी है, मैं फिर रिकमेंड करूंगा आपको, तो आपको ये चीजें बहुत आसान लग रही है, ये ऑपरेशन लिखना आसान लगेगा और इसे एप्लीकेबल करना आसान लगेगा। अगर आपको वहां डाउट था तो आपको थोड़ा स्ट्रगल करना तो पड़ेगा। फिलहाल कितना आ गया, 9 7 63 63 और 2 65, 65, फिर उसके बाद 9 8 72 और 3 75, 75, 99, 9 into 9 81 और प्लस 5 = 86 और यहां देगा 7 8 9, फिर उसके बाद 65 75 86 एंड दिस इज द फाइनल आंसर बिकॉज C1 = C3, दिस इज जीरो प्रूफ। बिना एक्सपेंड करे, बिना इवेल्युएट करे हम इसे प्रूफ कर पा रहे हैं। तो अपने थर्ड क्वेश्चन कर लिया है, जल्दी से वीडियो पॉज करिए और चौथे क्वेश्चन पर अपना हाथ आजमाइए, देखिए आप कितना कर सकते हैं चौथा क्वेश्चन। मैं आपको अभी बताने वाला हूं पहले कि ये क्वेश्चंस आप सोच रहे होंगे हर क्वेश्चन टीचर्स ही करा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मैं अभी बता देता हूं आपको। देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में से एक हैं और आप सारे क्वेश्चंस तो टीचर ही करा रहे हैं। आपने एक कराया, दूसरा ट्राई किया नहीं हुआ, सर ने कराया, फिर तीसरा ट्राई किया नहीं हुआ, तो इसका मतलब सारे टीचर ही कराएंगे? नहीं, मैं इतने साल से इस कोचिंग को पढ़ा रहा हूं और यहां पर इतने बच्चे आते हैं, सभी को एक ही बात बताता हूं मैं और आपको भी मैं बताऊंगा कि 4.2 एक्सरसाइज के पहले 8 क्वेश्चन, फर्स्ट टू एट क्वेश्चंस मैं एक एक करके सारे बताऊंगा और उसके बाद के सारे क्वेश्चंस आप खुद कर लेंगे, विश्वास रखिए। फर्स्ट टू एट मुझे कराने पड़ते हैं, हर बार कराने पड़ते हैं, कुछ बच्चे कर लेते हैं लेकिन सभी नहीं कर पाते क्योंकि हर क्वेश्चन में एक नई बात बताई जाती है। जैसे कि देखो, पहले क्वेश्चन में क्या बताया, ऐड करना बताया, पहली बार था। दूसरे क्वेश्चन में तीनों को ऐड करना बताया, 1 2 3, ये भी पहली बार था। चौथे क्वेश्चन में आपको इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड करना बताया, ये भी एक नई चीज थी। अब चौथे क्वेश्चन, तीसरे में, अब चौथे में क्या करना है, इस ए की मल्टीप्लाई करा देने वाला हूं। अब ए की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, देखो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा रहा हूं, क्वेश्चन में नहीं दिख रहा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूं, आप कॉपी पे मेरे साथ साथ रहेंगे, ठीक है ना। 1 1 1 लिखिए, फिर बीसी सीए और ए बी लिखिए, फिर मल्टीप्लाई कराइए भाई, मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए बी प्लस का ए सी, उसके बाद बी सी प्लस का बी ए, उसके बाद सी ए प्लस का सी बी, कितने आसानी से मल्टीप्लाई हो गया। अब दिमाग लगाइए जरा, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है C3 में चेंज करते हैं, C3 में C2 को जोड़ देते हैं। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला और हमें कैसे पता चलेगा, तो मैं फिर बता रहा हूं, रेस्ट करिए थोड़ा सा, स्ट्रेस मत लीजिए, 8 तक क्वेश्चन कराने तो दीजिए, आपको खुद में खुद पता चल जाएगा। चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूं, मैं कह रहा हूं कि आपको यहां पर थोड़ा सा ज्योतिष बनना पड़ेगा। जानते हैं ज्योतिष क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर, जो व्यक्ति भविष्य बताते हैं, तो आपको थोड़ा भविष्य में देखना पड़ेगा, टाइम मशीन में जाने की जरूरत नहीं है, आपको 0 बनाना है। आपने देखा, सोचा, इसे देखने के बाद सोचा, यही काम करते हैं मैथमेटिशियन, ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि मैथ्स पढ़ने आए और रटा रटाया ज्ञान लेके बैठे, ऐसा नहीं है। आप अगर पढ़ने आए हैं मैथ्स तो आपको फ्यूचर में थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा, कैसे, ये देखिए, ए की मल्टीप्लाई बी में, ए की मल्टीप्लाई सी में करेंगे तो ए बी और ए सी दिख रहा है, इतना सोचने में कोई परेशानी नहीं है, और ए बी ए सी में अगर बी सी और जुड़ गया तो बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब यही कॉन्सेप्ट देखिए, बी में सी की मल्टीप्लाई कराएंगे बी सी, बी में सी की ए की मल्टीप्लाई कराएंगे ए बी, ए बी और बी सी, और साथ में सी ए लिखा है तो इसे जोड़ देंगे तो यही दोबारा बन जाएगा। फिर सी में ए की मल्टीप्लाई कराएंगे तो सी ए, यहाँ सी ए, उसके बाद सी में बी की मल्टीप्लाई कराएंगे तो बी सी, यहाँ बी सी, और उसके बाद ए बी में जोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है या मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, जो मैं कर पा रहा हूं आप नहीं कर पा रहे, मैं भी आपके जैसा ही हूं, बिल्कुल सेम जैसा आपके जैसा हूं, बस एक चीज में डिफरेंस है मेरे में और आप में, ये क्वेश्चन मैंने पहले कर रखे हैं
और आपने नहीं कर रखे, बस इतना सा फर्क है। आप पहली बार देख रहे हैं, तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो पहले तो आप अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रखें, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट कि यार हो सकता है, और सर ने जब बोला है कि 8 तक की हेल्प मैं करूंगा, उसके बाद हमें खुद आ जाएगा, तो डेफिनेटली आ जाएगा। तो जो प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि ये प्रॉपर्टी, इसको अभी एप्लीकेबल करना सीखें, इसलिए कंफ्यूज ना हो अभी, ठीक है ना। धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएंगे और आप डेफिनेटली सीखते हैं। ज्यादातर बच्चे तो अब तक सीख भी चुके होंगे, जो एक दो बच्चे होते हैं और जो थोड़ा सा एंग्जाइटी सा फील करते हैं, घबराते हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप परेशान ना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए आपके सामने क्या है, 1 1 1, फिर उसके बाद BC, फिर उसके बाद CA, फिर उसके बाद AB। क्लियर है यहां तक? अब मैंने क्या बोला, C3 में C2 को जोड़ना है। चलिए जी जोड़ देते हैं, क्योंकि ये बात तो मुझे पहले ही पता थी ना कि क्यों जोड़ना है, रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर बनेगा AB प्लस BC प्लस CA, यहां पर बनेगा AB प्लस BC प्लस CA, यहां पर बनेगा AB प्लस BC प्लस CA। और ऐसा करने से सर क्या फायदा मिलेगा? तो साफ साफ दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा AB प्लस BC प्लस CA कॉमन आके बाहर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम C3। ओके, ये पहली बार आया, अभी तक कॉमन नहीं लिया था हमने ना, तो हमने कॉमन लिया और लिख दिया बाहर, हमने लिख दिया AB प्लस BC प्लस CA। देखो किस तरीके से कॉमन लेते हैं, तीनों में से एक संख्या बाहर लिखी जाएगी, अंदर 1 1 1, BC CA AB 1 1 1। आप देखेंगे बाहर कुछ भी लिखा हो, अंदर C1 इक्वल टू C3 आ गया, तो आंसर 0 आ गया। ये थोड़ा सा रैपिडली, थोड़ा सा जल्दी इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये चीजें बहुत आसान है और डेफिनेटली आप इसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसे कॉपी कर चुके होंगे अब तक, मेरे साथ साथ कॉपी करेंगे। अगर आपको ये छूट गया है तो जल्दी से बैक करिए वीडियो और कॉपी करें। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। 5 क्वेश्चन जो है वो 5th क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस जो भी होंगे, जो पेपर में कंपलसरी आता है, वो क्वेश्चंस जो है, ये क्वेश्चन उसकी झलक दिखाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत तरीके से और ध्यान से देखिएगा, और कॉपी पे मेरे साथ साथ तो जरूर लिखिएगा। आप लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 5 में लेफ्ट हैंड साइड, और उसमें क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, उसके बाद क्यू प्लस आर, आर प्लस पी एंड पी प्लस क्यू, उसके बाद वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। ये आपने लिख दिया, सिंपल है, यहां तक की बात तो सिंपल है। उसके बाद आपको प्रूफ जो करना है वो राइट साइड में आपको दिख रहा है, क्या प्रूफ करना है। आप गौर से देखेंगे कि अगर मैं इस C1 को, इस C2 को और इस C3 को लेता हूं और इन तीनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, ये आपको साफ साफ दिख रहा है। अब जोड़िए B प्लस C में Q प्लस R जोड़िए, उसमें फिर Y प्लस Z जोड़िए, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसी को, इसी सेम कंडीशन को अगर मैं C से ना देख के, यानी कि कॉलम से ना देख के, मैं अगर रो की तरफ जाऊं, रो की तरफ जाने का मतलब ये कुछ इस तरीके से कि ये है मेरे पास फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है। अगर मैं फर्स्ट रो में सेकंड रो और थर्ड रो को जोड़ दूं, तो देखो बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, तीनों के तीनों जुड़ के ऊपर पहुंच जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें एक सॉल्यूशन मिलता है। तो मैं यही काम करने वाला हूं, इसी तरीके से जैसे मैंने सोचा है, एज ए स्टूडेंट आपको भी सोचना है। मैं इसीलिए ये सब सिचुएशंस आपके सामने रख रहा हूं कि सोचना कैसे है, ऐसा नहीं कि करना कैसे, करना तो मैंने बता दूंगा आपको, आ जाएगा, लेकिन सोचना भी तो है ना। तो आप ऊटपटांग काम करेंगे, यही है इस प्रॉपर्टीज की इंपॉर्टेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की, कि आप अलग अलग कंडीशन, हर बार ऐसा नहीं कि जो आपने सोचा उससे आंसर आ जाएगा, समटाइम्स नहीं भी आएगा। आप लर्नर हो अभी, तो हर बार मेरी तरह नहीं होगा कि मैंने तो पहले कर रखा तो मुझे पता है क्या करना है, आपको नहीं पता चलेगा नए क्वेश्चंस में। तो आपको ऐसे सोचना है कि ऐसा सोच के देखें, करके देखते हैं, नहीं हुआ काट देंगे, फिर ऐसे करके देखते हैं, बस अगर आपने ये सीख लिया तो आपसे ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब समझ में आया किस फ्रेम ऑफ माइंड से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। फिलहाल आपको R1 में चेंज करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 में चेंज किया, R1 R2 R3 जोड़ दिया, तो ये मैं यहां से लिखूंगा, R1 मतलब कि बी प्लस सी और क्यू प्लस आर और वाई प्लस जेड, ये R1 है। अब इसमें मेरे को जोड़ना है, इसमें जोड़ना है R2, देखो मैं ये कवर कर देता हूँ, ये R2 के नंबर्स है, ये जोड़ेंगे सब जन, यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे प्लस
प्लस का सी प्लस ए, देखो पहले तो इसके साथ ये जुड़ जाएगा, फिर उसके बाद प्लस का आर प्लस बी, फिर उसके बाद प्लस का जेड प्लस एक्स, सही है ना। आर वन जुड़ा है सिर्फ, आर वन में आर टू जुड़ा है सिर्फ, है ना, आर टू, फिर उसके बाद आर टू जुड़ गया तो अब आर थ्री की बारी आएगी। आर थ्री आपके सामने ये रहा, इस आर थ्री को भी इसमें जोड़ते चले जाते हैं तो क्या आ जाएगा, आर थ्री को लिखेंगे तो यहां पर आ जाएगा प्लस का ए प्लस बी और आ जाएगा, यहां पर भी जोड़ दीजिए आप प्लस का पी प्लस क्यू, देखिए ना ये आर थ्री यहां जुड़ जाएगा, फिर उसके बाद प्लस कर दीजिए एक्स प्लस वाई। बहुत सिंपली समझाया मैंने, देखो बिल्कुल डिटेल में कोशिश कर रहा हूं बताने की, जिसको ये चीज आ रही है वो आगे बढ़ जाए, जिसको नहीं आ रहा है वो डिटेल में सीखे कि हो क्या रहा है, ऑपरेशन कैसे हो रहा है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे सी प्लस ए, फिर उसके बाद आर प्लस पी एंड जेड प्लस एक्स, उसके बाद ए प्लस बी, पी प्लस क्यू एंड एक्स प्लस वाई। आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ए में ए जोड़ेंगे टू ए, बी में बी जोड़ेंगे टू बी, और सी में सी जोड़ेंगे टू सी। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास ये, इस तरफ लिखिए टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी, यहां पर भी आप इसे जोड़िए तो आ जाएगा टू पी प्लस टू क्यू प्लस टू आर, यहां पर भी इसे जोड़िए आ जाएगा टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड। सिंपल है, जोड़ना आपको आता है। उसके बाद नीचे लिख दीजिए सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, यहां पर ए प्लस बी पी प्लस क्यू एंड एक्स प्लस वाई। आई थिंक यहां तक आपने बिल्कुल तरीके से लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे आपको क्या करना है, आगे आपको दो कॉमन आता हुआ दिख रहा है, लिखिए टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन टू फ्रॉम आर वन, तो आप बाहर कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहां पर मिलेगा सी प्लस ए ए प्लस बी, यहां पर मिलेगा आर प्लस पी पी प्लस क्यू, यहां पर मिलेगा जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई। अब देखो मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं सभी स्टूडेंट्स को, देखो एज ए लर्नर आप अभी सीख रहे हो, एज ए स्टूडेंट आप सीख रहे हो तो स्टेप्स मैं बता रहा हूं, लेकिन एग्जाम में यहां पर आके आप फंस जाते हो तो आपको कहां जाना है, आपको जाना है क्वेश्चन में निकालना क्या था। आप देखिए क्वेश्चन में आपको ये निकालना है, अगर ये निकालना है तो आप गौर से देखेंगे तो आपको डेफिनेटली यहीं से सॉल्यूशन मिलेगा। आप देखेंगे तो सेकंड रो को देखिए, आप सेकंड रो को आप देखिए, यहां पर लिखा है बी क्यू और वाई। अब आप अपने क्वेश्चन पे आइए, यहां पर लिखा है सी प्लस ए, यहां पर लिखा है ए प्लस बी प्लस सी, अगर इसमें से इसे घटा दिया जाए, सोचो जरा ए प्लस बी प्लस सी में से, ए प्लस बी प्लस सी में से घटा दिया जाए सी, और ये भी घट ही जाएगा, दोनों घट जाएंगे ना, तो बी बचेगा या नहीं बचेगा। अब चलो इस बात को आगे चलते हैं, अगर मैं इसमें से इसे घटा दूं, यानी कि ऊपर वाली संख्या में से नीचे, तो पी प्लस क्यू प्लस आर में से ये दोनों घटा दूं, माइनस माइनस, तो आर से आर कट जाएगा, पी से पी क्यू बचेगा, अगर इसमें से इसे घटा दूं तो वाई बचेगा। तो कहीं ना कहीं हमारी आर टू वाली ये सिचुएशन बी क्यू और वाई फुलफिल हो रही है। तो प्रॉपर्टीज समझ में आए, सोच कैसे रहे हैं, आपको सबसे पहले सोचना आना चाहिए कि मैं सोचता कैसे हूं। अगर आपको पता चले एक सर सोचते कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक का कराया जा सकता है। सेकंड वाले को भी इसी सीक्वेंस में सोचेंगे तो डेफिनेटली आ जाएगा। आप कहेंगे सर आपने इतनी जल्दी कैसे सोच लिया, हमने तो बहुत टाइम लगाया होगा, तो मैंने फिर बताना है मैं इसमें कोई इंटेलिजेंट नहीं हूं, कोई टीचर इंटेलिजेंट नहीं है, बस वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनका जो माइंड पावर है वो ऐसा हो जाता है कि वो जल्दी से बता देंगे आंसर, और आप प्रैक्टिस कम करते हैं एज कम्पेयर टू एनी चीज टीचर, तो इसलिए आप थोड़ा लेट बता पाते हैं, लेकिन बता तो पाते हैं ना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे तो भी थोड़े समय बाद बता तो सकते हैं ना, तो बस वही चीज मैं बताना चाह रहा हूं। हालांकि ये क्वेश्चंस मैंने कई बार करा रखा होगा तो इसलिए मैं जल्दी बता सकता हूं क्या कि आर वन में चेंज नहीं करेंगे, सॉरी गलती हो गई, आर वन में नहीं आर टू में, आर टू में चेंज करेंगे आर टू माइनस आर वन, एंड आर थ्री में चेंज करेंगे आर थ्री माइनस आर वन। मैंने क्या बोला था कि जिसमें भी चेंज करते हैं वो दोबारा में नहीं आना चाहिए, क्या है यहां पर कहीं पर नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा कर सकते हैं, पॉसिबल एक साथ दो प्रॉपर्टीज मैं लगा सकता हूं। अगर आपको कोई डाउट है इसे लगाने में, आप पहले ये प्रॉपर्टी लगाएं, सॉल्व करें, अगले स्टेप में ये प्रॉपर्टी लगाएं, अलग अलग भी यूज हो सकती है, एक साथ भी यूज हो सकती है, बस कंडीशंस आपकी पता होनी चाहिए। फिलहाल मैं एक साथ लगा रहा हूं तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, R2 में से R1 को घटाना है,
ये मेरा आर टू है, इसमें से इसे घटाना है, ध्यान रखना आर टू पहले लिखना है, यानी कि पहले तो मैं आर वन के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहता, यहां पर भी मैं लिखना चाहता हूं पी प्लस क्यू प्लस आर, यहां पर भी लिखना चाहता हूं मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आर टू में से आर वन को घटा रहे हैं ना, तो इसका मतलब सी प्लस ए में से घटाना है ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर निशान बदल जाते हैं, ये बात पता होनी चाहिए, मैं एक साथ कर रहा हूं इस काम को ना, दो स्टेप्स क्यों भरूं इस बात के लिए, मुझे पता है घटाना है तो सभी घट जाएंगे, ऐसे यहां से घटाइए, देखिए ये लिखा है आर प्लस पी, माइनस कर दीजिए पी माइनस क्यू माइनस आर, ऐसे यहां से घटाइए आप लिखेंगे जेड प्लस एक्स, माइनस कर दीजिए एक्स माइनस वाई माइनस जेड, बात समझ में आ गई। अब R3 में से R1 घटाइए, देखो बहुत आसान है, आप मेरे को यहां पर स्किप कर सकते हैं, आप खुद से करें इसे पॉज करके और स्किप कर दें, इस वीडियो को मत देखें फिर, ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी को तो जान लिया आपने क्या करना है, आप लिखें a प्लस बी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, यहां पर देखिए इसे घटाइए तो आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर, उसके बाद ये घटाइए तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई माइनस का जेड। चलिए इसको भी आप कवर कर लेना तरीके से, ओके अभी लिखिए टू, यहां आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यहां आ जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर, यहां आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहां तक समझ में आ गया। अब आप लिखेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है ए से ए और सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का बी बचेगा, ऐसे यहां पर माइनस का क्यू बचेगा, ऐसे यहां पर माइनस का वाई बचेगा, आप खुद से ट्राई करिए, आपको कटता हुआ नहीं दिख रहा है तो मैं कट करके दिखाता हूं, आर से आर कैंसिल और P से P कैंसिल, यहां पर Z से Z कैंसिल, X से X कैंसिल, ओके इधर भी आप देखेंगे तो A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, ऐसे P से P कैंसिल, Q से Q कैंसिल, X से X कैंसिल, Y से Y, तो क्या बचेगा, यहां बचेगा माइनस का C माइनस का R माइनस का Z, कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन के नजदीक है। अभी स्टार्टिंग वाला R1 देखिए और अपने क्वेश्चन का R1 देखिए, मैं फिर से क्वेश्चन पे लेके आया हूं, ये देखिए क्वेश्चन का R1 A P और X लिखा हुआ है, और यहां देखिए आपको साफ साफ दिख जाएगा कि अगर अगर आप इन तीनों को जोड़ दें, इसमें 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 तीनों में प्लस कर दें, यानी R1 में चेंज करें R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके तो आपका आंसर बनता हुआ दिख रहा है, टू तो बाहर है ही, आप लिखेंगे अंदर लिखेंगे A प्लस B प्लस C और जोड़ रहे हैं R2 यानी कि माइनस B माइनस सी, ऐसे ही पी प्लस क्यू प्लस आर माइनस क्यू माइनस आर, ऐसे ही एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड, यह देगा माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपके सामने, देखो सब कुछ कट गया, ऊपर बचा ए, यहाँ माइनस बी माइनस सी, फिर उसके बाद पी माइनस क्यू माइनस आर और एक्स माइनस वाई माइनस जेड। नेक्स्ट स्टेप इज इधर पॉजिटिव बनाना है, तो बहुत सिंपल है, आप लिखेंगे R2 tends to minus 1 into R2 and R3 tends to minus 1 into R3, आप इंडिविजुअली अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसी संख्या से डिवाइड भी कराना होता है, तो यहां पर लिखेंगे 2 डिवाइड बाय माइनस 1, एक बार यहां लिखेंगे और माइनस 1, दो बार कर रहे हैं तो दो बार अप्लाई कर रहे हैं, दो बार डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, अंदर अपने मल्टीप्लाई कर दिया ए पी और एक्स लिखा, यहां माइनस 1 की मल्टीप्लाई कर दी तो आ जाएगा बी क्यू और वाई, यहां माइनस 1 की मल्टीप्लाई कर दी सी आर और जेड, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, फाइनली आंसर आपके सामने है ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, तो ये आपने आंसर निकाल लिया। स्टेप्स बहुत सारे होंगे, ऑफ कोर्स मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश करी है, लेकिन आपको ये समझ में आ गया है, आगे के क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, ओके अब हमारे सामने आता है छठा क्वेश्चन, ये सिक्स्थ और सातवां क्वेश्चन, ये सेवन्थ, तो छठे और सातवें क्वेश्चन को हम जरूर करेंगे, आप पहले इसे खुद से ट्राई करें। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर सिक्स के पास, अब देखिए यहां पर सिक्स क्वेश्चन और सेवन्थ क्वेश्चन के लिए एक स्पेशल नोट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, यहां पर जो ये लाइन लिखी है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट इन एक्सरसाइज 8 to 14, यानी कि 8 से क्वेश्चन शुरू करने हैं और 14 तक जो है वो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का यूज करके लिखना है, ये नई बुक के अंदर प्रिंट यहां से लिखा है,
लेकिन जो पुरानी बुक देखोगे तो यही सेम आपको लाइन यहां दिखेगी, और यहां पर पुरानी बुक के अंदर प्रिंट लिखा हुआ है और वहां पर है 6 to 14, यानी कि ये छठा और सातवें क्वेश्चन में भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसे विदाउट एक्सपेंडिंग करना है, यानी कि इसे एक्सपेंड करना होगा। ऑफ कोर्स बिना उसके ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, तो ठीक है हम इसे एक्सपेंडिंग वाले नियम के साथ ही करेंगे क्योंकि विदाउट एक्सपेंडिंग से ये क्वेश्चंस नहीं होंगे। ठीक है, तो पहला हम छठा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको यहां पर दे रखा है छठे क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में आपको दे रखा है 0 a - b, -a 0 - c, b c और 0। सिंपल ये क्वेश्चन दे रखा है और मैंने कहा अब इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रही कि आप इसे एक्सपेंड नहीं कर सकते, इन्हें एक्सपेंड करना है। इस पार्टिकुलर जो ये नई बुक जो आई है उसके अंदर जरूर यहां लाइन लिखी है, बट आपको मैं दिखा दूंगा कि किस तरीके से आप पुरानी बुक में आपको दिखा दिया जाएगा कि यहां पर लिखा हुआ था और 6 to 14 लिखा हुआ था। ओके, फिलहाल हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस लिखेंगे। आप पहले प्लस का 0 लिखेंगे, मैंने बताया था आपको एक्सपेंड कैसे किया जाता है, तो जल्दी से 0 लिख लीजिए। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए और जो चार संख्याएं बची हुई दिख रही हैं एलिमेंट्स वो सारे के सारे लिखिए 0 - c, c और 0। उसके बाद आप लिखेंगे माइनस का a और फिर उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे तो -a - c, b और 0 लिखा जाएगा। उसके बाद माइनस का b, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे तो -a 0 और b और c। तो ये आपको इवेल्युएट करना तो अब आपको आ जाना चाहिए, अगर नहीं आता है तो मेरे से आप पूछ लीजिएगा, ये सिखा दिया जाएगा। फिलहाल बाहर 0 लिखा है तो कुछ भी सॉल्व करेंगे आंसर तो 0 ही आएगा। माइनस ए अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा आंसर 0, फिर माइनस का निशान और बी की सी में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा माइनस का बी सी, फिर माइनस का बी आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का ए सी, फिर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 0। फाइनली आप जब सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस होता है और बाहर माइनस है तो माइनस का एबीसी आ जाएगा। यहां पर देखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस होता है, प्लस का एबीसी आ जाएगा, तो ये आ गया आपका आंसर 0। समझ में आ गया आपको, जल्दी से इसे कॉपी करें। उसके बाद हम सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सातवां क्वेश्चन भी बहुत आसान है, देखिए किस तरीके से किया जाएगा। आप सेवंथ क्वेश्चन पे जब चलेंगे तो सेवंथ क्वेश्चन आपका क्या है, ये है सेवंथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वेश्चन है वो उतार लीजिए, माइनस का ए स्क्वायर ए बी ए सी, उसके बाद बी सी माइनस का बी स्क्वायर और बी सी, एंड देन सी ए, फिर उसके बाद सी बी और माइनस का सी स्क्वायर। आप लिखेंगे टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन ए कोमा बी कोमा सी फ्रॉम आर वन आर टू एंड आर थ्री रेस्पेक्टिवली। आपने कॉमन ले लिया ए बी सी आर वन आर टू आर थ्री में से, तो देखिए ये आपने ए बी सी कॉमन ले लिया, आप सी वन में से भी देख सकते हैं, सी वन सी टू सी थ्री, आप आर वन को देखेंगे बस ये ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा माइनस का ए बचेगा, यहां बी बचेगा, यहां सी बचेगा। अब आर टू को देखेंगे सिर्फ, अब बी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा सी माइनस बी और सी, और अगर आर थ्री को देखेंगे तो कितना बचेगा ए, सॉरी यहां पर क्या लिया ए बी और सी लेना ना, बी कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा आपके पास सी, यहां पर बचेगा आपके पास बी और यहां पर बचेगा आपके पास, ठीक है गलत क्यों कर देता हूं। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहता है और कैसे करना है, बहुत सिंपल सा है, सॉल्यूशन लिख लीजिएगा 7 और लेफ्ट हैंड साइड लिखिएगा। आप लिखिएगा माइनस का ए, उसके बाद ए बी, माइनस का ए स्क्वायर लिखा है सॉरी ये देख के लिखिए, और उसके बाद ए सी, देन उसके बाद बी सी माइनस का बी स्क्वायर, बी सी नहीं है बी ए लिखा है, अब आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के पास, तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है, देखिए कैसे लिखना है। आप लिखिए लेफ्ट हैंड साइड और आप बिल्कुल केयरफुली डिजिट्स उतारिए, माइनस का ए स्क्वायर ए बी ए सी, देन उसके बाद बी ए माइनस का बी स्क्वायर बी सी,
उसके बाद है सी ए और सी बी एंड माइनस का सी स्क्वायर। आपको सिंपली इसमें लिखना है टेकिंग टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम आर वन आर टू एंड आर थ्री रेस्पेक्टिवली। आपने तीनों में से आपको सिर्फ आर वन देखना, देखो आर वन देखना, आर वन में से कॉमन क्या ले रहे हैं, ए कॉमन ले रहे हैं, तो ये मैंने ए कॉमन ले लिया, फिर बी लिया है आर टू में से और सी लिया है आर थ्री में से, तो आर वन में से ए को कॉमन लीजिए, बचेगा क्या, माइनस का ए बी और सी। आर टू को देखिए सिर्फ, इसमें से बी कॉमन लीजिए, क्या बचेगा, ए माइनस का बी और सी। आर थ्री को देखिए आपका, यहां पर सी कॉमन लेंगे, बचेगा ए बी और माइनस का सी। बहुत सिंपल है ना। अगेन अगेन टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम सी वन सी टू एंड सी थ्री रेस्पेक्टिवली। तो आप दोबारा से ले लीजिए कॉमन, देखिए क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो कॉमन कहां से लेना है, आपको यहां से ए कॉमन लेना है, यहां से बी कॉमन लेना है, यहां से सी कॉमन लेना है, बाहर लिख देना है, तो क्या बचेगा, अंदर अंदर बचेगा माइनस वन 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 माइनस वन 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 माइनस वन। बहुत सिंपल हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसे इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट। आप चाहे तो मैक्सिमम जीरो भी बना सकते हैं, चलो पहले मैं जीरो बनाया था, चाहे तो इवेल्युएट करके भी आंसर आ जाएगा फोर, और चाहे तो ऐसा कर सकते हैं R1 tends to R1 plus R2, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इन दोनों को जोड़िए आंसर आएगा जीरो, इन दोनों को जोड़िए आंसर आएगा जीरो, इन दोनों को जोड़िए आंसर आएगा टू, वन माइनस वन 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 माइनस वन। ये आपको समझ में आता है। अब इवेल्युएट कर दीजिए, इवेल्युएट क्या इवेल्युएट करना है, R1 को, तो प्लस माइनस प्लस करके आप इसे इवेल्युएट करते हैं, ये दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट टू लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा, ये देखिए टू, फिर उसके बाद आप इसे कैंसिल करेंगे तो मल्टीप्लाई वन माइनस का माइनस वन, और फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, टू टू मल्टीप्लाई बाई टू फोर, और ये जाएगा फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इवेल्युएट करना आपको आता है तो आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने अब तक क्वेश्चन नंबर सेवन तक कर लिए हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में जो है आपको हर हर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो उसमें एक तरफ लेफ्ट साइड दे रखी है और एक तरफ राइट साइड दे रखी है। आपको लेफ्ट साइड यूज करके यानी कि इसको लेकर चलना है और राइट साइड आपको लेके आ रहा है, समटाइम्स राइट साइड यूज कर सकते हो, ठीक है ना। फिलहाल डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो तो लेफ्ट में डिटरमिनेंट है, राइट में आपको नॉर्मल संख्या दे रखी है, ओके। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट में जो है क्या आपको किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में वन 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 मिल रहा है। अगर आपको तीन इक्के मिल जाए तो समझ लीजिए बाजी आपकी हो गई, यानी वो क्वेश्चन डेफिनेटली आप करके आ सकते हैं। याद रखिएगा, या तो आपको क्वेश्चन में तीन इक्के मिलेंगे या फिर वो तीन इक्के आपको बनाने होंगे। कैसे मिलेंगे, कैसे बनाने होंगे, अभी हम पूरे के पूरे आज की क्लास के लेक्चर में देख लेंगे। फिलहाल अगर मैं सिर्फ आठवें क्वेश्चन की ही बात करूं तो इसमें मुझे वो तीन इक्के दिख रहे हैं, और कहां दिख रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं ये फर्स्ट कॉलम के पास, ठीक है। जैसे ही तीन इक्के मिल जाएं तो आपको वो स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैं आप बताने वाला हूं। पहला स्टेप, स्टेप फर्स्ट, और स्टेप फर्स्ट ये है कि जैसे ही तीन इक्के मिले तो आप दो को जीरो करेंगे। क्या करेंगे, आप दो को जीरो करेंगे। अब दो को जीरो कैसे करेंगे ये राइट साइड बता देगा। जैसे कि सबसे पहले आपको दे रखा है a माइनस बी, तो a माइनस बी आपको कैसे मिलेगा, तो इस एक में से इस एक को घटाएंगे, यानी कि आप अगर इसमें बात करूं, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं तो आपको मैं बता देता हूं r1 में से r2 घटाएंगे और एक स्टेप फिनिश करेंगे। दूसरा स्टेप, स्टेप सेकंड, उसके बाद आपको b माइनस सी चाहिए, तो b माइनस सी कब मिलेगा, जब b में से c को घटाएंगे। आप चाहे तो किसी में से किसी को भी घटा सकते हैं, आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए आंसर क्या लाना है, थोड़ा सहूलियत हो जाएगी, स्टेप्स कम हो जाएंगे। तो यहां पर इस एक में से इस एक को घटाएंगे तो एक दूसरा जीरो बनेगा, यानी कि R2 में चेंज करेंगे R2 माइनस R3,
ओके, पहला स्टेप ये होगा, जब ये फिनिश हो जाएगा तब दूसरा स्टेप होगा। अगर आप एक साथ दो स्टेप्स करना चाहते हैं तो ऐसे नहीं कर सकते, याद रखिएगा। अगर आप एक साथ दो स्टेप्स करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको उसे अलग तरीके से करना होगा। मैंने कहा था जिस भी रो में या कॉलम में आप चेंज कर रहे हैं उसका इस्तेमाल दूसरे वाले प्रॉपर्टीज में या अप्लाई करते वक्त नहीं यूज करेंगे। हालांकि आपको ये नहीं पता, आप एक एक स्टेप करें, पहला स्टेप दूसरा स्टेप, ओके। लेकिन स्टेप कहता क्या है, आपको स्टेप कहता है, दोनों स्टेप्स मिलकर ही कहता है मेक टू जीरोस, यानी कि अगर कभी भी तीन इक्के मिल जाए तो दो को जीरो बनाओ, दो को जीरो बनाओ, ये आपकी प्रायोरिटी हो। तीन इक्के मिल गए, दो को जीरो बनाना है। फिर अगला स्टेप क्या कहता है, अगला स्टेप ये है, स्टेप थर्ड कह सकता हूं, जब दो स्टेप्स हो जाएंगे, तीन इक्के होंगे तो दो जीरो बन जाएंगे। अच्छा, दो जीरो बन गए तो अगला स्टेप ये करना है आपको कि आपको फॉर्मूला कुछ लगता हुआ मिलेगा, फॉर्मूला। आपको कुछ चीज कॉमन आती हुई दिखेगी तो कॉमन ले लेना। आपको यहां पर कोई फैक्टर करने का तरीका मिलेगा तो फैक्टर कर लेना, किसी भी तरीके से फैक्टर कर सकते हैं आप। तो कोई भी एक ऐसी सिचुएशन आपको मिल जाए तो आप उसमें पहले वो अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद स्टेप फोर की बात करते हैं, टेक कॉमन या टेकिंग कॉमन ले सकता हूं, एनी रो और कॉलम, ये स्टेप्स लिख लीजिए प्लीज। क्या कहा मैंने कि स्टेप फोर ये है कि टेकिंग कॉमन एनी रो और कॉलम, किसी भी रो या कॉलम में से कुछ कॉमन संख्या होगी कॉमन लेनी चाहिए। उसके बाद स्टेप फाइव के पास चलते हैं और स्टेप फाइव में आप लिखेंगे इवेल्युएट। किसे इवेल्युएट करेंगे आप, इवेल्युएट करेंगे किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से जिसमें मैक्सिमम जीरो हो, एनी रो और कॉलम, है ना, व्हेन मैक्सिमम जीरोस, उस वाले को ले लेना जिसमें मैक्सिमम जीरोस हो। इसके अलावा अगर कोई भी रो या कॉलम को ले लेंगे, अगर मैक्सिमम जीरो वाली रो या कॉलम भी नहीं लेंगे तब भी इवेल्युएट करना तो आता है ना, 4.1 एक्सरसाइज में इवेल्युएट करना सीखा था आपने, डिटर्मिनेंट निकालना भी कहते हैं उसे, सेम वे। तो ये पांच बेसिक स्टेप्स फॉलो करके क्वेश्चन हो जाए, यानी क्वेश्चन जो है वो दो तरीके से मिलेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, एक या दो क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए, उसको तो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल तो मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या होंगे, जिसमें तीन इक्के आपको या तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखे हो या फिर नहीं दे रखे हो। जैसे देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन में नहीं दे रखा, आप नाइन्थ क्वेश्चन को देखिए, टेंथ क्वेश्चन में नहीं दे रखा दोनों पार्ट में, इलेवन क्वेश्चन के दोनों पार्ट में नहीं दे रखा, तो इसमें वो वन 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 वाली कंडीशन बनाएंगे। याद रखिए, मैं बोल रहा हूं किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, मैं डायगोनल नहीं बोल रहा हूं, डायगोनल ही नहीं देखा जा रहा, ठीक है ना, यानी कि वन 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 डायगोनल में मिल जाए तो नियम लगेगा, नहीं, रो में या कॉलम में। चलिए अब मैं इसको करके दिखाता हूं, मेरे साथ साथ आप भी करेंगे, वैसे स्टेप्स लिख लिए तो ट्राई भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, एट्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आप मेरे साथ साथ रहेंगे, वीडियो को पॉज करते जाएंगे अगर मैं आगे निकल जाऊं, लेकिन साथ साथ करेंगे क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं आपको ट्राई करने के लिए दूंगा, ठीक है, फिर उसके बाद मैं भी कराऊंगा। तो अभी देखिए, यहां पर वन 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 लिख दिया, यहां ए बी सी लिख दिया, यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर लिख दिया, ये आपके सामने है क्वेश्चन, और यहां पर लिख दिया मैंने ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, ये प्रूफ करके दिखाना है आपको, शो करके दिखाना है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आप इसमें से यानी कि आर वन में चेंज करोगे, आप प्रॉपर्टी लिखोगे, आप लिखोगे अप्लाइंग क्या अप्लाई कर रहे हो आप, अप्लाइंग आर वन टेंस टू आर वन माइनस आर टू, अप्लाइंग आर वन टेंस टू आर वन माइनस आर टू, मतलब आर वन में तो कर रहे हैं चेंज, और क्या चेंज कर रहे हैं, आर वन में से आर टू को घटा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो अप्लाइंग लिखा है जल्दी से कॉपी पे लिखते जाइए मेरे साथ साथ, यहां देखिए वन में से वन को घटाएंगे, ए में से बी को घटाएंगे, ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर को घटाएंगे, कोई कठिन काम तो नहीं है, ये तो आपको अब आ चुका होगा। उसके बाद यहां लिखेंगे वन, यहां लिखेंगे बी, यहां लिखेंगे बी स्क्वायर, यहां लिखेंगे वन, यहां लिखेंगे सी, यहां लिखेंगे सी स्क्वायर, और ये हो गया आपके सामने क्या, आर वन माइनस आर टू, ठीक है। अब आप आगे बढ़ेंगे, वन में से वन सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो आएगा, ए माइनस बी तो ए माइनस बी होता है, और मैंने कहा था दूसरा स्टेप देखो आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। अच्छा, मैंने दूसरी प्रॉपर्टी भी बताई थी, चलो एक स्टेप को हम कम कर सकते हैं,
दूसरी प्रॉपर्टी यूज करिए। पहला तो आपने जीरो कर दिया, ये जीरो आ गया यहाँ पर। अभी दूसरा ये क्या है, आर टू है, तो आर टू में चेंज करिए आर टू माइनस आर थ्री, आर टू माइनस आर थ्री, ठीक है। तो आप क्या करेंगे जब इसे चेंज करेंगे, तो कैसे करेंगे, ये चेंज ऐसे होगा, देखो ये तो आपका जीरो बन गया ना, ये वाली केस तो जीरो बन गया, ये ए माइनस बी लिखा हुआ है, यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। अब देखिए आर टू ये रहा, आर थ्री ये रहा, आप देखिए ना इसमें से इसे घटाइए, घटाते जाइए, बस एक में से एक गया जीरो बचेगा, बी माइनस का सी बचेगा, बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर बचेगा, और नीचे आ जाएगा वन सी सी स्क्वायर। ओके, बात क्लियर हुई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप मैंने बताया था, कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ फॉर्मूला लग रहा है, कुछ फैक्टर्स हो रहे हैं, तो वो करिए। तो यहां पर मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि थर्ड कॉलम में फॉर्मूला लग रहा है, इसको मैं कॉपी करूंगा और थर्ड कॉलम को लिखूंगा, यहां लिखूंगा ए प्लस बी एंड देन ए माइनस बी। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो मैं बता देता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ही लिखा है मैंने, आपको नहीं आता तो इसे यहीं पर याद कर लें। ऐसे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बी प्लस सी और बी माइनस सी, कितना आसान हो गया। उसके बाद सी स्क्वायर लिख लेंगे और ये बन गया अगला स्टेप, ये अगला स्टेप फिनिश हो गया, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेप पे चलते हैं। तो अब मुझे कॉमन दिख रहा है, देखो ए माइनस बी यहां पर भी है, ए माइनस बी यहां पर भी है, और ए माइनस बी यहां पर भी है। आप कहेंगे सर यहां पर कहां है, तो जो जीरो है ना उसके पास सब कुछ होता है। देखो मैं लिख के दिखा देता हूं, ए माइनस बी भाई तब भी तो जीरो ही रहेगा, तो ए माइनस बी तो हर जगह है, कॉमन का मतलब डिवाइड होता है, हर जगह से डिवाइड कर देंगे। तो ए माइनस बी आपको कहां मिल रहा है, आर वन यानी फर्स्ट रो में मिल रहा है। तो आप इसे लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन ए माइनस बी एंड बी माइनस सी फ्रॉम आर वन एंड आर टू रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली जरूर लिखना, रेस्पेक्टिवली का मतलब कि पहली वाली संख्या पहली वाले रो में से कॉमन आएगा यानी यहां से, और दूसरे वाला जो यहां पर एलिमेंट है वो दूसरी वाली रो से कॉमन आएगा, ठीक है ना। रेस्पेक्टिवली का मीनिंग बहुत है, तो यहां पर लिखना, छोड़ना नहीं। तो आप कॉमन ले लीजिए, आप लिखिए ए माइनस बी और यहां लिख लीजिए बी माइनस सी, कॉमन आ गया। और बचा क्या अंदर, जीरो, यहां बचा वन, यहां बचा ए प्लस बी, यहां बचा आपका जीरो फिर वन फिर बी प्लस सी, यहां बचा वन यहां सी और यहां पर सी स्क्वायर, कितना आसान हो गया। अब मैंने क्या बताया, कॉमन लेने के बाद इवेल्युएट करना है, और वो इवेल्युएट करना है उस रो या कॉलम को लेकर इवेल्युएट करना है जहां मैक्सिमम जीरोस हो। वैसे आपकी मर्जी चलेगी, मैं फिर बोल रहा हूं, देखो मर्जी आपकी है, आप इसे ले लीजिए प्लस माइनस प्लस और इसे सॉल्व कर लीजिए फर्स्ट रो को लेकर, है ना। फर्स्ट रो में एक जीरो है और दो जीरो नहीं है, तो इन दोनों को सॉल्व करके आंसर सेम आएगा। आपको मैं यहां पर लेके दिखाऊंगा, इवेल्युएट करूंगा, इवेल्युएट आपको लिखना है, सारे नंबर्स लिखने हैं, नंबर मिलेंगे सारे नाम पे। इवेल्युएट C1, अब मैं फर्स्ट कॉलम को इवेल्युएट करूंगा, यानी कि इसको इवेल्युएट करूंगा फर्स्ट कॉलम। और मैंने कहा था कि इवेल्युएट आप किसी भी कॉलम या किसी भी रो को करेंगे आंसर सेम आता है। तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ऐसे लिख लेंगे प्लस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस प्लस किस भी हाफ पे लिखे जाते हैं बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरीके से आप इसको अरेंज करते हैं ना, ये याद रखने। तो फिलहाल इवेल्युएट करेंगे, तो इवेल्युएट में देखो ये वाला जीरो तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि क्यों नहीं लिखेंगे भाई, सीधी सी बात है जीरो है, जीरो के साथ कोई भी मल्टीप्लाई होगी तो जीरो ही रहेगा। इस जीरो को भी नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके साथ भी किसी की मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, इसको लिखेंगे। तो आप जल्दी से वन लिखिए इवेल्युएट करते वक्त, और फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो जो है इसको आप डिलीट कर दीजिए, देखो मैंने हाईलाइट कर दिया, डिलीट कर दीजिए। ए माइनस बी ऐसा का ऐसे ही कॉमन करके लिखेंगे, बी माइनस सी भी लिखेंगे, और साथ साथ आप इसे डिलीट करेंगे तो ये संख्या मिलेगी। तो आप ऐसे लिखेंगे देखो इसे वन, और डिटरमिनेंट ऑफ ए सॉरी वन लिख लेते हैं पहले, यहां लिख लेते हैं वन, यहां पर लिख लेते हैं वन ए प्लस बी वन बी प्लस सी, कितना आसान है, इसे आप एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। ओके, ये है ए माइनस बी और यह है बी माइनस सी। और अब आपको यह सॉल्व करना बिल्कुल आता होगा, मेरे से पहले कर भी चुके होंगे आप। क्या करना है आपको, करना है बी प्लस सी, फिर उसके बाद माइनस का निशान, इसकी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, और आपको पता है बीच में माइनस का निशान है, तो क्या करना चाहिए,
अगर माइनस का निशान है तो आपको करना चाहिए यहां पर बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो बी से बी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो क्या आपको यही प्रूफ करना था? क्या ये राइट साइड नहीं आ गया? मैंने कंप्लीट स्टेप्स बताए हैं, आप इसमें से एक दो स्टेप स्किप कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता आपकी कैलकुलेशन सही है तो। आपने देखा कि किस तरीके से हमने ये 8 का फर्स्ट पार्ट निकाल लिया, और आपने एक कॉन्सेप्ट भी देखा कि रैंडम करे हुए क्वेश्चंस नहीं है, इनमें एक पैटर्न है, उस पैटर्न को आपको सिखाया जा रहा है, आप इस पे इरिटेट नहीं होंगे। ये आपका क्वेश्चन जो आएगा पेपर में मैक्सिमम मार्क्स का आता है, जैसे पहले 6 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन होता था, तो 6 या 4 के स्केल में, पुराने कोर्सेज की बात करें तो कंपल्सरी 4 नंबर का आता था। अभी हम पिछले साल के कोर्स की बात करें तो वहां पर ये 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का भी आ सकता है, और अगर इस साल की बात करें तो जो स्केड्यूल या जो गाइडलाइन हमें सीबीएसई देगी, आईसीएसई बोर्ड देगा, हम उसके अकॉर्डिंग इसे बोर्ड में देखेंगे, बट हाँ ये कंपल्सरी है कि ये टॉपिक आता है अगर कोर्स में कुछ चेंजेस वो ना करें। अभी तक तो कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आया, तो आप इसे मन से करिएगा, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन पे आप खुद अपना हाथ आजमाएं, आप देखें कि किस तरीके से इसे करेंगे। 3 इक्के हैं और इस बार है R1 और C1, C2, C3, तो पहले C1 में से C2 को घटाइए, जब ये आंसर आ जाए फिर C2 को चेंज करेंगे, C2 में से C3 घटाइए, 2 जीरो मिल जाएंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे, A³ - B³ का फॉर्मूला लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ A - B A² + AB + B² ये फॉर्मूला यूज करिए और सॉल्व करके दिखाइए। नहीं आएगा मैं बता देता हूं, तो पहले इस वीडियो को पॉज करें, अगला क्वेश्चन अभी सॉल्व करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट आई होप कि आपने कर लिया होगा। ये राइट वाला साइड आपके सामने है, A - B, B - C - A और उसके बाद A + B + C। मैं लेफ्ट वाला पार्ट करके दिखा रहा हूं और राइट लेके आना है हमें, तो लेफ्ट वाले पार्ट में क्या लिखा है, 1 1 1 यहां पर लिखा है A B C, यहां पर लिखा है A³ और B³ और C³। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब आपको क्या करना है, पहली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, C1 tends to C1 - C2, C1 में से C2 को घटाना है, ठीक है, C1 में से C2 को घटा देते हैं। आप एक साथ दो प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर एक मैं एक एक करके दिखा रहा हूं तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं आपकी मर्जी है। आप C1 में से C2 को घटाएंगे तो ये आएगा 0, आप देखें ना, 1 में से 1 घटाएंगे, ये आप इसे देखेंगे बस, इसे C1 को और C2 को देखेंगे, है ना। 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, फिर आएगा A - B, फिर आएगा A³ - B³। पहले आप खुद ट्राई कर चुके होंगे तब मेरे को फॉलो कर रहे, ठीक है, उसके बाद बाकी की संख्या को कॉपी कर लेना है, ये आपने कॉपी कर लिया। एंड देन अगली प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, C2 tends to C2 - C3, ऑफकोर्स C2 - C3 लगाना आपको आ गया, तो ये करेंगे 0, A - B A³ - B³, यहां पर 0, B - C और उसके बाद B³ - C³ एंड देन 1 C एंड C³। मेरे हिसाब से ये भी चीज बहुत आसान है, कोई कठिन काम नहीं किया अभी आपने। उसके बाद अगला स्टेप क्या बताया था, दो स्टेप के बाद मैंने कहा था कि अगर कोई फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला या कोई कॉमन या कुछ भी लग रहा है तो आप लगा लीजिए, तो ठीक है, यहां पर फॉर्मूला मुझे दिख रहा है, फॉर्मूला आपके सामने आपको मैंने अभी लिखवाया था, फिर से लिख देता हूं, X³ - Y³ का हमने फॉर्मूला याद किया हुआ है, X - Y (X²) + XY + Y²। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है कॉपी पे जरूर लिखें मेरे साथ साथ और इसे याद भी करें, ये आगे बहुत यूज होने वाला है, तो यूज करते हैं इस फॉर्मूले का और करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां लिखेंगे हम 0 A - B, यहां लिखेंगे A - B एंड देन A² + AB + B² ओके, यहां 0 B - C एंड देन B - C और उसके बाद B² + BC + C², देन उसके बाद 1 C एंड C³। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर है। अगला स्टेप क्या है, कॉमन लेने वाला स्टेप, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट कॉलम में से ये है फर्स्ट कॉलम, कॉमन आ रहा है भाई, क्या कॉमन आ रहा है, A - B यहां भी है, A - B यहां भी है और यहां तो 0 है, इसके पास तो A - B पहले से ही होगा,
ठीक है ना, यहाँ पर तो कुछ भी संख्या लिख के ले सकते हैं कॉमन। तो फिलहाल मैं कॉमन लेने वाला हूं और कॉमन आएगा ए माइनस बी, और वो भी तीनों में से, यानी कि ये आपके पास फर्स्ट कॉलम है, तो मैं लिखूंगा टेकिंग कॉमन ए माइनस बी फ्रॉम ए माइनस बी, और साथ साथ दूसरा भी ले लेते हैं, है ना, एक साथ ले लेते हैं ना, अलग अलग दो स्टेप क्यों करें, बी माइनस सी भी दिख रहा है ना, ए माइनस बी एंड b माइनस सी फ्रॉम सी वन एंड सी टू रेस्पेक्टिवली। मैंने बोला था ये नहीं भूल जाना, रेस्पेक्टिवली भी लिखना है ना, नहीं तो मार्क्स पेपर में कट जाएंगे। आपने कॉमन क्या लिया है, आपने लिया है a माइनस बी ले लिया और b माइनस सी भी कॉमन ले लिया, तो बचा क्या आपका, यहां पर बचा है जीरो, यहां पर बचा है आपके सामने a माइनस बी, यहां बचा है a माइनस बी, क्यों बचा है, जब कॉमन ही ले लिया तो वन बचा होगा ना, तो यहां पर वन लिखिए और यहां आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, बात भी क्लियर हो गई। फिर यहां जीरो लिखेंगे, फिर वन लिखेंगे, फिर लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस का सी स्क्वायर, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद यहां वन सी एंड सी का क्यूब। ना इतना स्टेप तो हो गया। अब मैंने क्या कहा था, मैक्सिमम जीरोस जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं उस वाले रो को या कॉलम को। तो मैक्सिमम जीरोस कहां मिल रहे हैं आपको, मेरे को तो यहां पर फर्स्ट रो के अंदर मैक्सिमम जीरोस मिल रहे हैं, फर्स्ट रो। तो मैं लिखूंगा इवेल्युएट आर वन, आर वन इवेल्युएट। तो यहां होता है प्लस, यहां होता है माइनस, यहां होता है प्लस, दोनों को तो लिखने की जरूरत नहीं है। जीरो जीरो देखो आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, लिख के दिखाता हूं। जीरो लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, यहां पर ये चारों नंबर्स कौन कौन से, वन सी दिस एंड दिस। फिर उसके बाद माइनस का जीरो लिखेंगे, फिर उसके बाद आएगा, फिर प्लस का वन लिखेंगे, फिर आएगा। तो ये दोनों तो जीरो ही हो जाएंगे ना, तो डायरेक्टली इसे ही लिखो ना आप, तो आपकी मर्जी, आप प्रॉपर लिख के भी काम कर सकते हो, बट क्यों करोगे यार, जब उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो जब हमेशा ही जीरो होना है। तो फर्स्ट रो को इवेल्युएट किया आपने, आप किसी भी रो या कॉलम को इवेल्युएट कर सकते हैं। यहां पर लिखा आपने ए माइनस बी, बी माइनस सी, उसके बाद एक ब्रैकेट लगाया, देन आपने देखा कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया, तो आपके सामने जो बची चार संख्या है वो क्या है, वन वन, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर थोड़ा गैप दे देते हैं, यहां पर लिख लेते हैं वन, फिर उसके बाद बी स्क्वायर प्लस का बी सी प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आती है। उसके बाद इसे इवेल्युएट कैसे किया जाता है, आप राइट साइड में मल्टीप्लाई पहले कराएंगे, ये लिखेंगे ए माइनस बी, ये लिखेंगे बी माइनस सी, और उसके बाद आप राइट साइड में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। देखिए आप में से कुछ स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स और वो कैलकुलेशन को थोड़ा शॉर्टकट करेंगे, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ऐसे नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम क्या है, करिए ना आप अपने तरीके से। लेकिन अगर आप गलत कर रहे हैं तो फिर आपकी इंटेलिजेंसी का कोई फायदा नहीं, आप मेरे को फॉलो करेंगे। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक आपकी हो रही है, मैं आपको तरीका तो सिखा पाऊंगा, कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी होगी। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि माइनस के वक्त ज्यादातर स्टूडेंट्स की गलती हो जाती है, राइट साइड में मल्टीप्लाई कराया ये आंसर आया, बीच में माइनस है, अब लेफ्ट में मल्टीप्लाई कराऊंगा, यानी कि ये जो लेफ्ट वाला ये जो सेकेंडरी डायगोनल होता है ये, इसकी मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो मैं लिखूंगा इसे यहां पर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत सिंपल है और आपको बात समझ में भी आ रही है। ठीक है, अब आप ब्रैकेट खोल दीजिए, यहां लिखिए ए माइनस बी, बी माइनस सी, और आप लिखेंगे ब्रैकेट खोल के बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस का बी स्क्वायर। बात क्लियर हुई। उसके बाद क्या करना चाहिए हमें, आप देखोगे गौर से तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। अब क्या बचा, देखो सी स्क्वायर और ए स्क्वायर दिख रहा है आपको, और बी सी और ए बी भी दिख रहा है आपको, दोनों को मैं एक तरीके से लिखने वाला हूं, आप भी मेरे साथ लिखिएगा, ए माइनस बी और बी माइनस। तो यहां तक के स्टेप्स तो ऑफ कोर्स आप में से भी कई बच्चों ने कर लिए होंगे, इसके बाद आंसर मैच नहीं कर रहा होगा, तो कैसे करना है वो देख लीजिए। आपने लिखना है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक ब्रैकेट में अलग, फिर प्लस का निशान लगाना है, फिर बी सी और ए बी ये एक ब्रैकेट में अलग, ऐसा लिखा जा सकता है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे और इस कैलकुलेशन को और आगे बढ़ाएंगे। एक स्टेप आप लिखेंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला अभी तो बताया था, सी प्लस ए और सी माइनस ए, ये फॉर्मूला है, प्लस का निशान, फिर इन दोनों में से एक संख्या कॉमन आ रही है, देखो एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, तो क्या लिखेंगे सी माइनस ए,
नाउ आपको दिख रहा है सी माइनस ए और सी माइनस ए दोनों में कॉमन है, इसे बाहर ले आइए, ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा सी प्लस ए प्लस का बी, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं और आपको डेफिनेटली समझ में भी आ गया। ठीक है, थोड़ा लेंथी हो रहा है लेकिन मैंने कहा कंपलसरी है और मैक्सिमम मार्क्स में आता है, तो घबराइएगा नहीं, आपको अभी सीखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th पे आ जाते हैं। अब 9th में तो 111 नहीं दे रखा, तो आपको इसे 111 बनाना है। चलिए 9th क्वेश्चन को मैं बताता हूं। अब देखिए 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपने खुद भी ट्राई किया होगा, और अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूं जिससे कि बाकी के क्वेश्चंस भी आप खुद से ट्राई करेंगे। देखिए पहली बात तो मेरे को लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को 9th में दे क्या रखा है, मैं लिखूंगा x, y, z, उसके बाद x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, उसके बाद y z, फिर z x, फिर x y। मैंने आपको बोला कि मैक्सिमम क्वेश्चन में, सभी में नहीं बोला, मैंने कहा मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको 111 या तो दिखेगा या आपको बनाना होगा, यही तो बोला मैंने। अब देखो इसमें आपको 111 नहीं दिख रहा, तो पहले क्या करते हैं, हम 111 बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, आप ध्यान से समझना जो स्टेप्स मैं फॉलो करने वाला हूं, और कॉपी पे लिख भी सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं अभी मत लिखिए, मैं जो अभी कराने वाला हूं अभी उसे आप कॉपी पे नहीं लिख लिए, आप जो मैं करा रहा हूं उसे देखिए बस, ठीक है ना, फिर बाद में बताऊंगा क्यों मना किया है लिखने के लिए। देखिए ये फर्स्ट रो है, मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई जेड फ्रॉम आर वन, आर टू एंड आर थ्री रेस्पेक्टिवली। अब देखो बाहर से एक संख्या की मल्टीप्लाई कराई, एक ही साइड लेके चल रहे हैं, दो साइड्स तो है नहीं, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको डिवाइड भी करना होगा एक्स वाई जेड से। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो डिवाइड भी करेंगे, अगर आप या तो आपके दो साइड्स होते इधर भी और इधर भी, दोनों में करा रहे होते, जैसे कि हमने 3.4 में किया था, 3.4 में इनवर्स निकाला था, नहीं उसमें नहीं किया था हमने, ये कॉन्सेप्ट किसमें किया है जिसमें लेफ्ट में भी मल्टीप्लाई कराना है और राइट में भी मल्टीप्लाई, हाँ 3.4 में किया था, ओके 3.4 में लेफ्ट और राइट दोनों में एक साथ चेंज कर रहे थे ना, या ऐसे किया था हमने कि ए इज इक्वल टू आई ए, ये लिखा था ना, और उसके बाद हमने इधर भी और इधर भी दोनों में, अगर दोनों में चेंज कराए तो मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते है ना, लेकिन अगर आप एक ही साइड लेके चल रहे हैं, और इन सारे क्वेश्चंस में एक ही साइड तो लेके चलनी होगी, तो अगर आप बाहर से किसी संख्या की मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो कंपल्सरी रूल है आपको डिवाइड भी करना होगा। कर लेते हैं, इधर हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स वाई जेड, यहां हो जाएगा वाई स्क्वायर, वाई क्यूब, एक्स वाई जेड, यहां हो जाएगा जेड स्क्वायर, जेड क्यूब, एक्स वाई जेड। आप देख सकते हो बहुत आसानी से मल्टीप्लाई हुई है, बहुत आसानी से आप देख सकते हो कहां हुई है, यहां पर एक्स से कराइए, यहां पर वाई से कराइए और यहां पर जेड से कराइए, बिल्कुल क्लियर देख लीजिए, ओके। अब आप लिखेंगे टेकिंग कॉमन, कॉपी पर नहीं लिखेंगे इसे, अभी ध्यान रखना अभी लिखना नहीं है, देखना है सिर्फ टेकिंग कॉमन, क्योंकि ये मैं रब करने वाला हूं, क्या कॉमन है x, y, z from c3, सॉरी x, y, z नहीं, सॉरी गलती हो गई, यहां पर लिखेंगे x, y, z, ओके। तो यहां पर आपके सामने आ जाएगा x, y, z, बाहर कॉमन ले लिया और अंदर बचेगा x, y, z जो नीचे है वह है, और यहां पर बचेगा अंदर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, यहां एक्स क्यूब, यहां वाई क्यूब, यहां जेड क्यूब, यहां 111। देखिए जो बात मैंने बोली थी वो आ गई कि नहीं आ गई, आपको तीन इक्के मिल गए कि नहीं मिल गए, और तीन इक्के के बाद काम वही पुराना शुरू होगा, पहले इसे जीरो करेंगे, एक स्टेप बनाएंगे आर वन माइनस आर टू, फिर इसे जीरो करेंगे और दूसरे स्टेप में करेंगे आर टू माइनस आर थ्री, और फिर फॉर्मूला आएगा स्क्वायर का भी क्यूब का भी, फिर कॉमन आएगा, फिर इवेल्युएट होगा, फिर आंसर आएगा। यहां तक की बात तो समझ में आ रही है आपको, लेकिन ऐसा नहीं करना, क्यों नहीं करना, आप खुद करके देखिए, लास्ट में जब कैलकुलेशन कर रहे होंगे ना, वहां आपको वो कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी, इस सिचुएशन में लास्ट में कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी और शुरू में स्टेप्स हो गए फालतू के, तो इससे मैं मिटा दे रहा हूं। हालांकि 111 बना के दिखा दिया मैंने, कोई भी क्वेश्चन में हो सकता है ऐसा,
आपको पेपर में 111 की तरफ को ही अप्रोच करना है, लेकिन ये क्वेश्चन क्योंकि इससे आसान हो सकता है तो इसीलिए मैं इसे आसान मेथड से ही करके दिखा रहा हूँ। ओके, ये मैंने क्यों मिटा दिया, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है और मैं इसे 111 नहीं बना रहा, इसलिए मैंने कहा था कि इसे आप कॉपी ना करें। अब आ जाइए, अब देखते हैं क्या करना है। देखिए आपको इसमें करना है, देखिए आपको करना क्या है, आप राइट साइड में देखिए लाना क्या है, एक्स माइनस वाई। आपको एक्स भी दिख रहा है, यहां देखिए यहां पर एक्स भी दिख रहा है और वाई भी दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? आप अगर घटा देंगे तो एक्स माइनस वाई आएगा कि नहीं आएगा? पहला स्टेप तो यही हो गया। फिर क्या लाना है, वाई माइनस जेड। तो आपको वाई भी दिख रहा है, जेड भी दिख रहा है, आप घटा देंगे तो दूसरा स्टेप भी हो गया। तो ये इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका है और मैं आपको आसान की तरफ ही लेके जाऊंगा। या आप सोच सकते हैं कि सर ये तो रटना पड़ेगा, तो इतना कठिन काम तो नहीं है ना, आपको जो प्रूफ करना है वो सामने बता तो रहा है कि क्या करना है बस। तो आप लिखिए अप्लाई, जल्दी से करिए कॉपी पे, अब R1 tends to R1 minus R2 अप्लाई करिए जल्दी से। और इसे अप्लाई कैसे करेंगे, आप लिखेंगे एक्स माइनस वाई, यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहां लिखेंगे वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, और बाकी को आप कॉपी कर लेंगे, वाई वाई स्क्वायर और जेड एक्स, यहां पर जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई, यहां तक आसान है। उसके बाद आप लिखेंगे अप्लाइंग R2 tends to R2 minus R3। ओके, एक्स माइनस वाई यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहां आ जाएगा वाई जेड माइनस जेड एक्स, यहां हो जाएगा वाई माइनस का जेड, इधर आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर और इधर हो जाएगा जेड एक्स माइनस एक्स वाई, यहां आ जाएगा जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? बिल्कुल क्लियर है। अब आगे क्या करना चाहिए, आगे आप यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने कहा दो स्टेप्स के बाद क्या करते हैं, बिल्कुल याद कर लीजिए स्टेप्स, मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूं, आप भी लगाइए मेरे साथ। एक्स माइनस वाई, उसके बाद एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। ओके, उसके बाद यहां से कॉमन लेते हुए दिख रहा है आपको, ये देखिए दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, जेड कॉमन आ रहा है। जब जेड कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, वाई माइनस एक्स बचेगा और हमें तो एक्स माइनस वाई दिख रहा है बाद में कॉमन, तो मैं माइनस का जेड कॉमन ले लूंगा। देखो थोड़ा सा चालाकी भी दिखाएंगे ना, माइनस का जेड कॉमन ले लूंगा। ऐसे करने से क्या फायदा मिला, जो माइनस वाली संख्या थी वो तो प्लस की बन गई, तो मैंने इसे आगे लिख लिया। देखो आप गौर से, इस वाली संख्या में से अगर जेड कॉमन ले लिया माइनस का तो एक्स प्लस का बच गया, तो मैं यहां लिखूंगा एक्स को प्लस का, और उसके बाद जो प्लस वाली संख्या थी वो माइनस की बन जाएगी, तो जेड कॉमन ले लिया तो बचेगा माइनस का वाई। समझ में आ रहा है कि किस तरीके से दिया है? अगर आप माइनस का जेड नहीं लेना चाहते तो अगले स्टेप में लेना पड़ेगा माइनस अलग से कॉमन, ठीक है ना? अभी एक स्टेप में हो गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वाई माइनस जेड ऐसे ही लिख लेते हैं, फॉर्मूला हो गया वाई प्लस जेड और वाई माइनस का जेड और यहां से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन लेना है और कॉमन आ रहा है माइनस का एक्स, तो बचेगा वाई माइनस का जेड। नाउ यहाँ जेड है, ये जेड स्क्वायर है, ये एक्स वाई है। नाउ टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन कॉमन एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड फ्रॉम R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। बात क्लियर है? अब चलते हैं कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस वाई कॉमन आ गया, वाई माइनस जेड कॉमन आ गया, अंदर बचेगा क्या, यहां बचेगा वन, यहां बचेगा एक्स प्लस वाई, यहां बचेगा माइनस का जेड। यहां पर आ जाते हैं इस वाले नीचे वाले रो में, इस रो की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड रो में, इसमें क्या किया, यहां बचेगा वन, देन यहां बचेगा वाई प्लस का जेड और इधर बचेगा माइनस का एक्स। आगे जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई कॉपी कर लेंगे और फिनिश। अगर एक एक स्टेप आप कॉपी पे करते जा रहे हैं तो ही बात बिल्कुल क्लियर हो पाएगी, ये एक्सरसाइज भी और टॉपिक भी समझ में आएगा, एक एक स्टेप। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो प्लीज एक एक स्टेप खुद से करें। अगले पर चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है x माइनस, अगला स्टेप है x माइनस y, y माइनस z। अब देखिए करना क्या है, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि x माइनस y, y माइनस z आ गया, तो z माइनस x भी ले आते हैं। अगर मैं z में से x को घटा देता हूं तो z माइनस x भी मिल जाएगा, यहां पर जीरो भी मिल जाएगा, तो
तो क्यों ना मैं अप्लाई करूं आर वन टेंस टू आर वन माइनस आर टू और इसका अप्लाई कर लेते हैं। देखो ये मैंने कर दिया अप्लाई, बाहर तो जो था वो था ही, एक में से एक घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा। इधर घटाइए जरा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अब आप कहेंगे सर माइनस जेड कैसे आया, तो मैंने कहा ना बाहर निशान माइनस का है, इसके बाद की सारी संख्या बदल जाती है। आप चाहे पहले ब्रैकेट लिखे फिर उसके बाद निशान बदले, चाहे डायरेक्ट बदल सकते हैं। फिर माइनस का जेड माइनस का एक्स, ध्यान रखना घटा रहे हैं, माइनस यहाँ ऑलरेडी था। ओके, यहां पर ऐसे ही लिख लेंगे वाई वन वाई प्लस का जेड माइनस का एक्स, यहां पर लिख लेंगे जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। कोई ऑब्जेक्शन है तो बताइए। आगे चलते हैं, आगे लिखा है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और यहां पर आ जाएगा जीरो वन जेड। यहां पर आप देखेंगे तो आपको इस स्टेप में मिलेगा वाई से वाई कैंसिल होता हुआ, तो क्या बचेगा आपका, यहां पर बचेगा एक्स माइनस जेड, यहां पर क्या बचेगा वाई प्लस जेड, यहां पर क्या बचेगा जेड स्क्वायर। देन यहां से आप देखेंगे माइनस का जेड प्लस का एक्स, यहां देखेंगे माइनस एक्स और एक्स वाई। गौर से देखिए, आपके सामने है एक्स माइनस जेड और इसे देखिए आपके सामने है एक्स माइनस जेड। भाई एक्स माइनस जेड लिखा हो या माइनस जेड और प्लस एक्स लिखा हो, एक ही तो बात है, आगे पीछे करने में कोई अंतर थोड़ी आ गया, तो दोनों एक ही बात लिखी हुई है, तो आप कॉमन ले सकते हैं। आप लिखेंगे टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन एक्स माइनस जेड फ्रॉम किस में से, आर वन में से, तो आर वन में से ले लेंगे, ये तो जीरो है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो एक्स माइनस जेड तो अपने आप ही इसके पास हो गया है ना, जीरो में से तो कुछ भी कॉमन आ सकता है। तो आपने लिखा एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड एंड एक्स माइनस जेड, चलो ये बात तो समझ में आती है, जीरो वन और यहां पर भी वन आएगा, इधर आएगा वन वाई प्लस जेड और यहां माइनस का एक्स, यहां जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। ये समझ में आया ना आपको क्या करना है। देखो आप रट नहीं रहे हो, अभी फिलहाल आपको ऐसी अप्रोच जरूर दिख रही होगी कुछ स्टूडेंट्स को, आप स्टेप से स्टेप्स बना रहे हो, स्टेप से स्टेप। जब हम स्टार्टिंग में थे, देखो ये स्टार्टिंग में, तो हमने पहला स्टेप कैसे सोचा, देखो मैं ओवरव्यू एक बार यही दे देता हूं, पहला स्टेप इसके बाद कैसे सोचा कि हमने क्या करना है और उस स्टेप के आपको मार्क्स भी मिलेंगे। तो आपने देखा कि जो हमें प्रूफ करना है उस हिसाब से चलेंगे, तो एक्स में से वाई को घटाना है और घटाना हमें आता है, हमने प्रॉपर्टी लगाई घटा दिया। यहां आने के बाद हमने दूसरा स्टेप देखा, तो वाई में से जेड घटा दिया, तो यहां तक पहुंच गए। यहां पहुंचने के बाद हमने देखा कि इधर तो दोनों पे फॉर्मूला लग रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है, तो ये काम कर दिया। इस स्टेप के बाद हमने देखा कि हमें कॉमन दिख रहा है, ये देखिए ये रहा और ये रहा, कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लिया, बाहर नीचे से भी कॉमन दिख रहा है, ये रहा तो कॉमन, ये रहा और ये रहा। कॉमन लेने के बाद जब हम यहां पहुंचे तो हमने देखा कि वन में से वन घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा, जेड में से एक्स घटाएंगे तो जेड माइनस एक्स मिल जाएगा, यानी एक्स माइनस जेड, तो हमने वो स्टेप कर दिया। अब यहां तक पहुंच गए हम, यहां तक। अब मुझे लग रहा है कि अगर मैं इस एक में से एक को घटा दूं, यानी कि कॉलम सेकंड में से कॉलम थर्ड घटा दूं, तो मुझे एक जीरो मिल जाएगा और मुझे तो मैक्सिमम जीरो चाहिए होते, तो मैं यहां पर सी वन सी टू में चेंज करूंगा सी टू माइनस सी थ्री। सिंपल है, हमारी अप्रोच इवेल्युएट करने की तरफ जाती है, तो हम सिर्फ घटाएंगे तो कुछ कठिन काम तो नहीं है। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई y माइनस जेड एंड x माइनस जेड, जब आप घटा देंगे तो आ जाएगा आपके पास जीरो वन जेड, इधर एक में से एक घटाएंगे जीरो आएगा, इधर घटाएंगे तो आएगा y प्लस जेड माइनस और माइनस का x, घटा रहे हैं पहले से ही माइनस x है, फिर जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, यहां पर आ जाएगा वन माइनस एक्स और एक्स वाई। कॉपी पे साथ साथ लिख रहे होंगे तो समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। ये माइनस और प्लस को एक साथ, इस वाले को मैं कर देता हूं और इसे प्लस का एक्स कर देता हूं, थोड़ा देखने में अच्छा लगे, आप अगले स्टेप में कर सकते हैं प्लस एक्स लीजिए। नाउ अब आपको इवेल्युएट करना है, और मैंने कहा था जहां मैक्सिमम जीरो होते हैं उसे इवेल्युएट करना आसान होता है, इवेल्युएट तो किसी को भी कर सकते थे, वरना मैंने प्लस माइनस प्लस लिखा, ये कैंसिल ये कैंसिल, आपको चार संख्या सामने दे रखी है, इसकी मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट कराने वाला हूं, देखते जाइए। एक्स माइनस वाई y माइनस जेड और x माइनस जेड, यहां पर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा वन की, तो आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, माइनस जेड की मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा जेड की मल्टीप्लाई जेड वाई जेड, आप इसे लिखिए वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर और प्लस का एक्स जेड। ओके
या जेड एक्स भी लिख सकते थे। नाउ माइनस है बीच में तो निशान आपका यहां पर बदल जाएगा सबका, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई और माइनस का वाई जेड माइनस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स जेड। ये बात समझ में आती। अब आप क्या करेंगे, आपको जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, आपको ये सारी संख्या नेगेटिव में दिख रही है, बाकी की वो बाहर माइनस कॉमन ले लेंगे। आप एक्स माइनस जेड देख रहे हैं, अगर मैं इसमें से माइनस का एक कॉमन ले लूं बाहर ले लूं तो ये संख्या क्या हो जाएगी, जेड पॉजिटिव हो जाएगा और एक्स नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, आंसर देखिए इसका राइट साइड में, आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये है आपके सामने वाई माइनस जेड और यहां से मैंने क्या किया, माइनस का एक कॉमन ले लिया और ये आ जाएगा आपके पास क्या, जेड माइनस का एक्स। ये तो मैंने इतना किया और इसमें से मैंने माइनस का एक कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स लिख लो या एक्स जेड लिख लो, वो आपकी मर्जी है ना, एक ही बात है, ठीक है। यहां पर अब देखिए माइनस का वन यहां भी है मल्टीप्लाई में, माइनस का वन यहां पर है और माइनस वन और माइनस के वन की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस का वन। तो फाइनल आंसर इज एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स एंड देन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। देखिए जब मैंने कहा कि ये दूसरा मेथड छोटा तरीका है, शॉर्टकट मेथड है, थोड़े स्टेप्स बच जाएंगे, तब तो ये इतना लेंथी हो गया। अगर आप पहले मेथड से करते तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाते, लेकिन आप में से जिसने भी पहले मेथड से ट्राई किया होगा पूरा ट्राई करें, आंसर यही आएगा, थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी है, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, जल्दी से कॉपी पे करिए और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अब आगे के क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करने, तो वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को अगले वाले को ट्राई करिए। कैसे ट्राई करना है उसका हिंट मैं आपको अभी दे देता हूं। देखिए आपके सामने 5x प्लस 4 है, आपकी मर्जी है, आप सारे के सारे रो को जोड़ ले या सारे के सारे कॉलम को जोड़ ले, आपकी मर्जी है। सपोज कर लेते हमने कॉलम को जोड़ा तो यहां पर क्या आएगा, ये है आपके पास C1, ये C2, ये C3। आप C1 में चेंज करें, C1 प्लस C2 प्लस C3, आपका यहां फ्रंट वाले कॉलम में आएगा 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, उसे कॉमन ले ले तो 1, 1, 1, बाकी का काम आप जानते हैं। इसे करके दिखाइए, वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। तो 10th क्वेश्चन ऑफ कोर्स आपने ट्राई किया होगा, कुछ बच्चों से ये क्वेश्चन हो गया होगा, कुछ बच्चों से नहीं, ठीक है। जिससे भी नहीं हुआ है उसे मैं बता देता हूं, एक स्टेप थोड़ा सा करके दिखा देता हूं, पूरा तो मैं नहीं करने वाला, लेकिन जो थोड़ा सा स्टेप है वो जरूर करके दिखा देता हूं मैं आपको, क्योंकि अब आपको ही ट्राई करना है ये क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड लिखना है x प्लस 4, 2x और 2x लिखना है, फिर 2x x प्लस 4, फिर 2x लिखना है, देन 2x 2x एंड x प्लस 4, ओके। आपको मैंने बताया C1 में चेंज करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, आप में से कुछ बच्चे R1 में भी चेंज कर सकते हैं, R1 R2 R3 जोड़ देंगे तब भी आंसर सेम आएगा, कॉन्सेप्ट भी सही रहेगा। तो आप इसे जोड़िए, आप देखिए जरा जोड़ के क्या क्या बनेगा, आप इस पूरे को जोड़िए, ये पूरा का पूरा, ये संख्या मैं तीनों को जोड़ रहा हूं तो देखो क्या बनेगा, एक्स प्लस 4 प्लस 2x प्लस 2x, फिर आप सेकंड वाले इस नंबर को जोड़िए तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस का x प्लस का 4 प्लस का 2x, फिर इन एलिमेंट्स को जोड़िए, देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, 2x प्लस का 2x प्लस का x प्लस 4। और यहां पर ये फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गया है, किसमें चेंज हुआ है, मैंने फिर बोला था एक तरफ से जो चीज कॉलम दिखेगी वो दूसरी तरफ से रो दिख सकती है, कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन एक एक एलिमेंट से तो जोड़ सकते हैं। अगर आपने एक साथ तीनों लिख लिए हैं, अब जरा दिमाग लगाइए, आप सोचिए कि ये आपके पास क्या था, C1 था, इस C1 में क्या जोड़ा था, C2, देखो इसमें ये जोड़ा, इसमें ये जोड़ा, इसमें ये जोड़ा, ये लिख दिया, फिर ये क्या था आपका, C3, तो C3 जोड़ा, फिर उसके बाद C1 में C2 में और फिर C3, इसमें पूरे में ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा। तो जिस भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रही है कि हम इसे रो की तरह लग रहा है हमें तो, लेकिन वो रो नहीं है, आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड वाला कॉलम जो है वो लिख लेते हैं, 2x x प्लस का 4 एंड 2x, फिर उसके बाद थर्ड कॉलम है 2x 2x x प्लस का 4, कितना आसान हो गया। अब देखेंगे अगले स्टेप में तो ये आ जाएगा आपके सामने क्या,
एक एक्स, दो एक्स और एक दो एक्स, कितना आ जाएगा? 5x+4, 5x+4, 5x+4। आगे लिखा है 2x, x+4, 2x, 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 x+4। अब आपको पता है क्या करना है? टेकिंग कॉमन 5x+4 फ्रॉम C1। जरा C1 में से 5x+4 कॉमन लेके दिखाइए, तो बचेगा क्या? हमारा बचेगा यहां पर 5x+4, तो ये आ जाएगा 1 1 1, 2x x+4 2x, 2x 2x x+4। अगर आपने पिछले क्वेश्चंस मेरे साथ साथ किए हैं और मेरी बात मानी है, तो यहां से आगे का काम अब आपको ही करना है। पहले इसे जीरो बनाना है, फिर इसे जीरो बनाना है, फिर उसके बाद कुछ कॉमन वगैरह आ रहा होगा तो कॉमन ले लीजिए, है ना, कुछ भी आपको दिखेगा वहां पर कॉमन आता हुआ, फिर कॉमन लेने के बाद इवेल्युएट करिए और डेफिनेटली आपका आंसर आएगा। लेकिन कई स्टूडेंट को कंफ्यूजन है, कहेंगे सर आंसर जो इसमें पूछा गया है वो पूछा गया है कि x 4 - x का स्क्वायर, हमारा आंसर आ रहा है x-4 का स्क्वायर। तो भैया किसी का आंसर x-4 का स्क्वायर हो या किसी का आंसर आपका 4 - x का स्क्वायर हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है। अगर होल स्क्वायर है, देखो 3 में से 6 को घटाएंगे स्क्वायर करेंगे, या फिर 6 में से 3 को घटाएंगे स्क्वायर करेंगे, तो यहां आएगा -3 का स्क्वायर, यहां आएगा 3 का स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा 9, तो यहां पर भी आएगा 9। तो यानी कि ये नियम है, जनरल सा एक एक रूल है कि अगर 4 - x हो या x-4 हो, अगर ऊपर स्क्वायर है या कोई भी इवन नंबर है तो फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपका आंसर ये आ रहा है तो आप इसे लिख के, बिल्कुल सही आंसर है, छोड़ के आ जाएंगे। आप इसके बाद ये स्टेप लिख के भी छोड़ सकते हैं कि ये आपका आंसर आया, ये आपने मैच किया, और कहेंगे हेल्प। ओके, अब जल्दी से आप इस क्वेश्चन को पूरा करके दिखाएं और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, दिमाग लगाइए क्या है, फिर मैं उसमें भी हिंट देता हूं आपको, ठीक है ना? आप हिंट देने वाला हूं सब में, तो करके दिखाएं इसे पूरा। अब 10th के सेकंड पार्ट के पास चलते हैं, 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। मैं इसमें भी आपको हिंट देने वाला हूं, क्योंकि आसान है। आप देखेंगे तो ये लिखा है y प्लस का k, y एंड y, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं। उसके बाद लिखा है y, y प्लस का k एंड देन y, y y और y प्लस का k, और ये राइट साइड में इसके प्रूफ कर रहा है। तो 3y प्लस के आपको दिख रहा है राइट में क्या लिखा है, और 3y प्लस के जो है, आप चाहे तो 3 रो को जोड़ सकते हैं, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, देखेंगे 1y, 2y, 3y प्लस के। आप चाहे तो रो को जोड़ सकते हैं, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, आप दोनों में से कोई भी एक मेथड अपनाइए, दोनों ही सही है और दोनों ही हो जाए। पिछले वाले में भी दोनों मेथड में से कुछ भी कर सकते थे। तो पिछला वाला क्वेश्चन में मैंने कॉलम जोड़ के दिखाया, अब की बार मैं आपको रो जोड़ के दिखाया था। R1 tends to R1 plus R2 plus R3, देखो कैसे जुड़ती है रो। आप देखेंगे सबसे पहले पहली रो, ये पहली रो है, इसमें जोड़नी है सेकंड और थर्ड रो को, है ना? तो एक एक एलिमेंट करके जोड़ते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे y प्लस का k प्लस का y प्लस का k, आप लिखेंगे y प्लस का y प्लस का k प्लस का y, आप लिखेंगे y प्लस का y प्लस का y प्लस का k। बिल्कुल सीधा है, मैंने सीधा सीधा जोड़ा है। पहले मैंने इसमें इन दोनों को जोड़ा, फिर मैंने इसमें इन दोनों को जोड़ा, फिर मैंने इसमें इन दोनों को जोड़ा, और जोड़ने के बाद जो संख्या आई उसे मैंने कहाँ लिखी है, उसे मैंने R1 में लिखा है, ठीक है ना? बिल्कुल सीधा है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ जाते हैं अगले वाले स्टेप पे, देखिए अगला स्टेप क्या है। तो ये है हमारा अगला स्टेप। अगला स्टेप क्या होगा, वाई वाई प्लस का के एंड देन वाई, फिर उसके बाद y y y प्लस का k। अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब 3y है, आपको दिख रहा है, अच्छा यहाँ पर y प्लस का k था, y था, और ये लास्ट में y था, मैंने k लिख दिया, आपने भी गलत कॉपी कर लिया होगा, ये k नहीं है, ये देखो ना लास्ट में y है, तो यहाँ पर y लिख लीजिए। ओके, और यहाँ पर तो सही है, ठीक है। तो फिलहाल आप जब इसे जोड़ेंगे तो y प्लस वाई प्लस वाई 3y होता है, तो इसे लिखेंगे आप 3y प्लस के, इधर भी y प्लस वाई प्लस वाई 3y प्लस के, इधर भी y प्लस वाई प्लस वाई 3y प्लस के।
तो क्लियर हो रहा है ना कितना आसानी से आ गया, रो फर्स्ट के अंदर आपको वो वैल्यू मिल गई जो आपको चाहिए थी। कठिन तो कुछ हुआ ही नहीं इसमें, बस आपको अप्रोच दिखानी है कि आपको क्वेश्चंस खुद से करने हैं, ठीक है ना। अभी आपको क्या करना है, टेकिंग, टेकिंग क्या, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन 3y+k फ्रॉम R1, फर्स्ट रो में से आपको कॉमन ले लेना है 3y+k, ठीक है कॉमन ले लेते हैं 3y+k, ये ले लिया कॉमन। अब क्या बचेगा भाई, अब बचेगा वन वन वन, यहाँ वाई, यहाँ वाई प्लस का के, यहाँ पर वाई, यहाँ पर वाई, यहाँ पर वाई, यहाँ पर वाई प्लस का के। बात क्लियरली समझ में आ रही है। अब तीन इक्के आपके सामने हैं, अगली प्रॉपर्टी C1 में चेंज करेंगे, C1 - C2 आपको बता चुका हूं यहाँ जीरो कैसे बनेगा। फिर उससे अगली प्रॉपर्टी है C2 में चेंज करेंगे, C2 - C3, और यहां पर भी जीरो बन जाएगा। फिर कुछ कॉमन आएगा तो कॉमन ले लीजिए, अदरवाइज इवेल्युएट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए, अभी वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए, ठीक है। अब ये 11वें क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कैसे करना है वो देखिए। आप 11वें क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे आ गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। मैं इसमें भी आपको हिंट ही दूंगा, 11वें के दोनों पार्ट में आपको हिंट ही मिलेंगे। देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है a-b-c, 2a एंड देन 2a। उसके बाद आपको दे रखा है 2b b-c-a एंड देन 2b। उसके बाद दे रखा है 2c 2c और c-a-b। ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड में a+b+c का क्यूब लेके आना है। देखो जैसे ऊपर वाले दो क्वेश्चंस थे, देखिए 10th क्वेश्चन में आप रो लेके चलेंगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, कॉलम लेके चलेंगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड पार्ट में भी यही सेम प्रोसेस था, रो लेके चलेंगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, कॉलम लेके चलेंगे तो भी। लेकिन अब जो 11th का फर्स्ट पार्ट है, इसमें रो और कॉलम दोनों एक साथ नहीं हो पाएगा। देखो अगर मैंने इसमें, मान लेते हैं मैंने इसमें इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, यानी कॉलम लेके चला, इसे जोड़ा, जोड़िए जरा, लिखा हुआ है a-b-c+2a+2b 2a, तो फाइनली आ गया आपके सामने 5a-b-c, जो कि हमें नहीं लाना। देखो प्रूफ करने वाला देखना पड़ेगा हमें कि क्या शो करना है, सामने कौन लिखा हुआ है। अगर इसी की जगह हमने इसे ना जोड़कर हमने जोड़ा इस तरीके से, देखो इतना दिमाग आपको लगाना बेटा, आप स्टूडेंट हो, आपको इतना काम तो करना ही पड़ेगा कि सोचना तो है ना आपको। मैं तो डायरेक्ट उसी तरफ लेके जा रहा हूं जिस तरफ आंसर आ जाए, लेकिन आप जब सोचेंगे तो ऐसा थोड़ी कि आपको पता है कि अभी आंसर कब से आएगा, किस स्टेप से आएगा। तो मैं आपको दोनों एंगल्स बता रहा हूं कि स्टूडेंट या तो ऐसा सोच सकता है या फिर ऐसा सोच सकता है, ठीक है। अगर आपने इसे जोड़ा, देखो इन सबको जोड़ा, तो क्या आएगा, a-b-c+2b+2c। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ए 2b और b को घटाएंगे तो प्लस का भी आएगा, 2c को c को घटाएंगे तो c आएगा। यस बिल्कुल सही आ रहा है, यानी कि इसे जोड़ना बनता है। तो यानी कि यहां पर मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि हर जगह कॉलम और रो आपकी मर्जी से चलेगा, इसलिए मैंने दोनों तरीके से करा दिया पिछला क्वेश्चन, है ना। तो आप यहां पर क्या जोड़ेंगे, आपको ये फर्स्ट रो में चेंज करना है, फर्स्ट रो में सेकंड रो जोड़नी है, सेकंड रो में थर्ड रो जोड़नी है। रो होती है ये R1, ये R2, ये R3, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप इस देखो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे R1 tends to R1 plus R2 plus R3, ओके बात क्लियर है। अब देखो R1 को लिख के दिखाता हूं मैं आपको, ये है a-b-c, उसके बाद मैंने थोड़ी जगह लेके लिख दिया यहाँ पर 2a, फिर थोड़ी जगह लेके लिख दिया मैंने 2a, बात क्लियर है। R1 लिख दिया, अब R2 जोड़ना है तो R2 देखेंगे, सिर्फ R2 ही लिख रहा हूं मैं, प्लस का 2b प्लस का b-c-a और प्लस का 2b, बात क्लियर है। R2 जुड़ी है ना, देखो ये सिर्फ R2 ही तो लिया है मैंने सिर्फ, है ना। फिर उसके बाद इसमें R3 को जोड़ेंगे, तो देखो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 2c प्लस का 2c और प्लस का c-a-b, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से चीजों को जोड़ सकते हैं, बस एक एक एलिमेंट करके भी लिख सकते हैं। और मैंने आपके लिए, ताकि आपकी कंफ्यूजन ना हो, तो मैंने आपको एक साथ R1 R2 R3 जोड़ के भी दिखाया, ठीक है। अब उसके बाद के नंबर्स को ऐसे लिखना है, यानी कि 2b को कॉपी करना है, b-c-a को कॉपी करना है, 2b को कॉपी करना है, यहाँ पर 2c 2c और c-a-b, आप इसे ऐसे कवर कर लेना यहाँ पर, ठीक है, ये कवर हो जाएगा, पूरा कवर कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल इसे मैं थोड़ा रब कर देता हूँ ताकि जगह बन जाए, आपको साफ साफ दिखाई भी दे, ओके।
तो अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप बिल्कुल सिंपल है। आपको करना क्या है, आपको सीधा सीधा लिखना है। देखो ये ए है, आप ए लिखेंगे, फिर टू बी में से बी को घटाएंगे तो प्लस का बी लिखा जाएगा, टू सी में से सी को घटाएंगे तो बड़ी संख्या का निशान आता है प्लस का सी। ऐसे ही ये देखिए, टू ए में से एक ए को घटाएंगे तो बड़ी संख्या का निशान ए आएगा, उसके बाद बी ऐसा का ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, फिर उसके बाद टू सी में से सी को घटाएंगे तो प्लस का सी आ जाएगा। यहां पर 2a में से एक a को घटाएंगे तो आ जाएगा a, यहां पर 2b में से माइनस का b हो जाएगा आपके पास प्लस का b, और c ऐसा कैसे ही कॉपी। बाकी की संख्या 2b, b माइनस c माइनस a और 2b लिखेंगे, यहां पर 2c, 2c और c माइनस a माइनस b। बात क्लियर हुई? उसके बाद आगे बढ़ते हैं, टेकिंग कॉमन करेंगे। टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम किसे, आर वन से। देखो ना, आर वन से कॉमन लेंगे, ये आर वन है ना आपका, कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और अंदर बचेगा वन वन और वन। और मैंने कहा था मैं इसमें हिंट दूंगा, पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। रीजन मैंने बता दिया कि आपको ये वन 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 वाली सिचुएशन आपको बता चुका हूं, आप खुद से ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आप यहां आंसर निकाल लेंगे जो इसने पूछा है। आंसर आएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और एक ये रहा होल क्यूब हो जाएगा, टोटल आंसर फाइनल आंसर हो जाएगा। प्रॉपर्टी क्या लगानी है, सी वन में चेंज करिए सी वन माइनस सी टू, जब आंसर आ जाए फिर सी टू में चेंज करिए सी टू माइनस सी थ्री, फिर कुछ कॉमन वगैरह आता है तो लीजिए, और फिर टेकिंग कॉमन एंड देन फिर उसके बाद इवेल्युएट। ये आपका स्टेप। क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने बैच ज्वाइन कर रखा है तो आप मेरे से लाइव क्लास में ये चीज पूछेंगे, क्योंकि इसकी लाइव क्लासेस होती है ना। आपको सबसे पहले जितना भी स्टेप किया है उसकी पीडीएफ मुझे सेंड करनी होगी, तब मैं लाइव क्लास में उस पीडीएफ पे जो आपने किया हुआ है, आपकी कॉपी में हुआ है, उस पर मैं करेक्शंस बता दूंगा कि आपने क्या गलती की है। आप मुझसे लाइव पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपने बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कैसे करेंगे, उसके लिए डिस्क्रिप्शन पे आपको डिटेल दे रखी है, आप बैच ज्वाइन करें और पूछें इसके आगे के क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर ये क्वेश्चन आपसे करने आते हैं, आपको जरूरत नहीं है बैच ज्वाइन करने की। अब ये 11th का जो सेकंड पार्ट है, इसमें भी मैं आपको हिंट देने वाला हूं। देखिए, ऊपर फर्स्ट वाले पार्ट की बात करें तो इसमें आर वन लेके चले थे, आर वन तब आंसर आया था, सी वन से आ नहीं सकता था। अब देखिए सेकंड क्या कहता है, इसका सेकंड पार्ट यहां पर आपको कह रखा है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, आपको दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस का टू जेड, देन जेड जेड, उसके बाद एक्स, और यहां दे रखा है वाई प्लस का जेड प्लस का टू एक्स, और उसके बाद यहां दे रखा है एक्स वाई वाई और जेड प्लस एक्स प्लस टू वाई। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद आप देखेंगे राइट साइड में लाना क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब। ठीक है, तो अगर मैं इसमें इसे और इसमें इसे जोड़ू, पहले जोड़ लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस का टू जेड प्लस का एक्स प्लस का वाई, तो आंसर आ जाएगा टू एक्स प्लस का टू वाई प्लस का टू जेड, और टू कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो यानी कि ये कामयाब है, ऐसा कर सकते हैं। अगर मैं इसमें इसे और इसे जोड़ू तो चेक कर लेते हैं, मेरे सामने है x प्लस वाई प्लस का टू जेड प्लस का जेड प्लस का जेड, तो आंसर आएगा x प्लस वाई प्लस का फोर जेड। तो खुद से आइडिया लगा ना कि किस तरफ जाना है आपको, ऊपर की तरफ जाना है। अब ऊपर वाली संख्या जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं एलिमेंट, अगर मैं कह रहा हूं इस एलिमेंट में ये जोड़ेंगे इसमें ये जोड़ेंगे, तो एक एलिमेंट एक कंप्लीट रो या कॉलम को प्रेजेंट करता है। तो ये जो एलिमेंट है ये आपके सामने फर्स्ट कॉलम है, ये एलिमेंट सेकंड कॉलम है, ये एलिमेंट थर्ड कॉलम है। तो आप किस में जोड़ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड कॉलम को जोड़ रहे हैं इस बार, याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक बार ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर दोबारा से मेरी बात सोचिएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगी, कॉलम और रो में कंफ्यूजन नहीं होगी। आप लिखिए सी वन टेंस टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, और जोड़ के दिखाइए जल्दी से। देखिए कैसे जोड़ेंगे, हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड प्लस एक्स प्लस का वाई, यहां लिखेंगे जेड प्लस का वाई प्लस का जेड प्लस का टू एक्स प्लस का वाई, उसके बाद लिखेंगे जेड प्लस का एक्स प्लस का जेड प्लस का एक्स प्लस का टू वाई। कैसे जोड़ा है आपके सामने देखो, पहले मैंने ये सी वन लिया, फिर सी टू लिया, फिर सी थ्री लिया, बहुत सिंपल था, आपके सामने मैंने लिख के दिखा दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे मैं आपको करके दिखा देता हूँ किस तरीके से करेंगे इसे। ये है हमारे पास आगे की संख्या x, यहाँ y प्लस का z प्लस का 2x, यहाँ पर x, यहाँ पर y,
वाई एंड जेड प्लस का एक्स प्लस का टू, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब आप देखेंगे तो इसे जोड़ के दिखाएंगे, ये एक्स दो एक्स हो जाएगा और ये वाई और वाई दो वाई दो जेड पहले से ही था, तो आ जाएगा टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड। यहां पर भी सेम ऐसे ही, जेड दो बार दे रखा होगा, वाई दो बार दे रखा होगा और एक्स तो दो एक्स है ही, तो टू एक्स प्लस टू वाई प्लस का टू जेड। यहां पर भी एक्स दो बार है, टू वाई है और जेड दो बार है, तो आ जाएगा टू एक्स प्लस का टू वाई प्लस का टू जेड। और यहां आ जाएगा एक्स, यहां आ जाएगा वाई प्लस का जेड प्लस का टू एक्स, यहां आ जाएगा एक्स, यहां आ जाएगा वाई देन वाई देन जेड प्लस का एक्स प्लस का टू वाई। ओके, बात समझ में आती है। अब आप लिखेंगे टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन है भाई, टू एक्स प्लस का टू वाई और प्लस का टू जेड फ्रॉम सी वन फर्स्ट कॉलम में से। बाहर लिख लेंगे टू, आप बाहर टू लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसमें से भी कॉमन ले लिया मैंने ना, और बचा वन वन वन, यहां बचा एक्स, यहां बचा वाई प्लस जेड प्लस का टू एक्स, यहां बचा एक्स, यहां बचा वाई, यहां बचा वाई, यहां बचा जेड प्लस एक्स प्लस का टू वाई। और अब आपका काम है, आप खुद से ट्राई करेंगे, R1 में चेंज करेंगे R1 माइनस R2, तब ये जीरो बन जाएगा ये वाला केस। फिर जब ये हो जाए स्टेप, तो R2 में चेंज करना R2 माइनस R3, तो ये जीरो बन जाएगा आपका, इसमें से चेंज कर लेना। फिर कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लीजिए, और फिर उसके बाद कॉमन लेने के बाद इवेल्युएट कर देना और आंसर आ जाएगा। तो आपका काम है जल्दी से इसको पूरा करें, देन अगले क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपको कराने वाला हूं और ये कंप्लीट कराऊंगा, फिर 13 कराऊंगा, फिर 14 कराऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद 15 और 16 ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, ये देखिए 15 है और 16 है, ठीक है ना, तो ये दोनों क्वेश्चंस भी होंगे और फिर उसके बाद फिनिश हो जाएगी हमारी आज की क्लास कंप्लीट। तो अभी फिलहाल हम इसको करने वाले हैं, आपने अब तक बहुत सारा कुछ किया होगा, रेस्ट लीजिए, वीडियो को छोड़ दीजिए, एक दूसरे टाइम पे आइए और फिर फ्रेश माइंड से अगले क्वेश्चंस करिए, ठीक है। तो अभी फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पास आ जाते हैं, 12 क्वेश्चन क्या कहता है, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, सेम प्रूफ ही करना है, प्रूफ या शो जो भी कहेगा। वन एक्स एक्स स्क्वायर वन और एक्स 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 स्क्वायर एंड वन, ये आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड लेके आना है। तो राइट हैंड साइड है वन माइनस एक्स क्यूब, देखो वन माइनस एक्स क्यूब आपको पता होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, फिर उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि वन इंटू एक्स, और फिर उसके बाद प्लस का बी स्क्वायर। तो गौर से देखेंगे वन माइनस एक्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मतलब ये प्रूफ करना है, लेकिन मेरे को पता है ये बराबर इसके होता है, तो मुझे तो ये चाहिए वन माइनस एक्स, और आप देखेंगे 1 माइनस एक्स आपको यहां पर क्वेश्चन में दिख रहा है, मैं उसे करके दिखा देता हूं कैसे दिख रहा है। आप लिखेंगे R1 tends to, R1 tends to R1 minus R2, R1 में से R2 घटाना है, एक एक स्टेप करने की कोशिश करेंगे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर देन एक्स माइनस का 1 देन एक्स स्क्वायर माइनस का x, बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर 1 और x को कॉपी कर लेते हैं। हालांकि दो स्टेप्स दो प्रॉपर्टीज भी एक साथ लगाई जा सकती है, सर्टेन रूल्स होते हैं उसको फॉलो करते हुए, बट मैं अभी आपको नहीं सिखा रहा, एक स्टेप भर लेना एक्स्ट्रा, कम से कम हाथ तो जाएगा आपको, है ना, और कॉन्फिडेंटली आप चीजें सीख रहे होंगे। फिर उसके बाद R2 में चेंज करेंगे R2 माइनस R3, और जब इसे चेंज करेंगे तो आ जाएगा आपके सामने 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो कॉपी कराए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस 1, सिंपल है ना। देखो R2 में से ये R2 है, इस R2 में से R3 को ये R2 R3 घटाया, ठीक है, तो आगे क्या आएगा एक्स एक्स स्क्वायर और इसे कॉपी कर, सिंपल है, घटाना अब आपको आना चाहिए। अब मुझे 1 माइनस एक्स बनाना है और मुझे पता है कि क्यों बनाना है, तो 1 माइनस एक्स पहले वाले में देखो फॉर्मूला लग रहा है, पहले वाले में फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, 1 का स्क्वायर लिख के ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। अब दूसरे वाले नंबर को देखिए, इसको इसमें है एक्स माइनस 1, हमें चाहिए 1 माइनस एक्स, तो अगर मैं माइनस का एक कॉमन ले लूं तो ये माइनस का एक कॉमन लेने पे माइनस वाली संख्या प्लस की हो जाएगी जो मैं आगे लिखूंगा, और प्लस वाली संख्या जो एक्स प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, वो मैं पीछे लिख लूंगा,
बात क्लियर है ना, आगे पीछे थोड़ा सा करके देखो। अगर मैं इसमें से बात करूं, इसमें से बात करूं, माइनस का कॉमन ले लिया, तो देखो माइनस का एक कॉमन लेने पे एक्स तो माइनस का हो गया और वन प्लस का हो गया। अब इसको मैंने लिखा है क्या, वन माइनस एक्स, भाई माइनस एक्स प्लस वन और वन माइनस एक्स एक ही बात होती है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन एडवांस में करनी पड़ेगी। अब हम बात बढ़ते हैं तीसरे के पास, इसके पास। तो यहां से आप एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस वन बचेगा, लेकिन मुझे तो वन माइनस एक्स बनाना है, तो मैं यहां से माइनस का एक्स कॉमन ले लूंगा तो बचेगा वन माइनस एक्स। देख सकते हैं कॉमन लेके आपकी मर्जी, आप पहली बार में एक्स और अगले स्टेप में माइनस लेंगे तब भी बात बन जाएगी, ठीक है। यहां से देख लेते हैं, इस वाले पे चलते हैं, इस वाले पे जाएंगे तो यहां पर भी माइनस का एक्स कॉमन आ रहा है, वन माइनस एक्स बचेगा, और इसकी बात करेंगे तो यहां से क्या मिल रहा है, वन प्लस एक्स और वन माइनस एक्स। इसकी बात करेंगे तो क्या मिल रहा है, माइनस का वन कॉमन लेंगे तो वन माइनस एक्स। नाउ एक्स एक्स स्क्वायर और वन ऐसा का ऐसे ही लिख लेंगे और पढ़ते हैं आगे। तो आगे हम लिखेंगे कॉमन, तो कॉमन क्या दिख रहा है भाई, वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स पहली रो में से, वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स सेकेंड रो में से। तो आप लिखेंगे टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन वन माइनस एक्स फ्रॉम आर वन एंड आर टू रेस्पेक्टिवली। ओके, आप कॉमन ले लीजिए, ये आया वन माइनस एक्स का स्क्वायर। आपको पता लगा स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि दो बार वन माइनस एक्स और वन माइनस एक्स कॉमन लिया। अब क्या बचेगा, अंदर अंदर बचेगा वन प्लस एक्स, यहां बचेगा माइनस का वन, माइनस के वन पे ब्रैकेट ना लगाए, ओके, और उसके बाद बचेगा आपके पास माइनस का एक्स, देन यहां बचेगा माइनस का एक्स, यहां बचेगा वन प्लस का एक्स, इधर बचेगा माइनस वन एक्स, एक्स स्क्वायर और वन। अभी मैंने आपको बताया था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। अगर मेरे सामने लिखा है वन माइनस एक्स क्यूब, तो आप जानते हैं वन का क्यूब कर सकते हैं, तो रूल बना वन माइनस एक्स का, वन माइनस एक्स वन का स्क्वायर वन ही होता है, और प्लस का वन इंटू एक्स एक्स होता है, प्लस का एक्स का स्क्वायर। तो देखो वन माइनस एक्स तो मैंने बना दिया, अगर मैं इसे भी बना पाया वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर तो मेरा काम ही हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये जो रूल है, देखो बहुत सिंपल है रूल, आपको नहीं याद था मैंने बता दिया, इसी एक्सरसाइज में दो बार एक ही रूल लग रहा है ना, तो आप देखेंगे तो आपको ये कहीं ना कहीं दिख रहा है क्या, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कहां दिख रहा है आपको, दिख रहा है बनता हुआ, देखो ये रहा एक्स, ये रहा एक्स स्क्वायर, ये रहा वन, दिख रहा है ना बनता हुआ। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे अप्लाइंग, यानी कि आप यहां पर अप्लाई करेंगे C1 tends to C1 plus C2 plus C3। ओके, बात समझ में आई, ये मैं रूल क्यों लगाया, मैंने आपको बता दिया है, आपको बस सोचना है। अब देखिए 1 minus x का स्क्वायर तो कॉपी कर लेंगे, अब आपको C1 C2 C3 जोड़ना है, 1 plus x minus 1 minus x, ओके इसे जोड़िए आप इस वाले में, तीनों को जोड़िए ना, इसको भी और इसको भी जोड़िए, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन, यहाँ आ जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वन, यहाँ आ जाएगा माइनस वन वन प्लस एक्स एक्स स्क्वायर एंड देन माइनस एक्स माइनस वन और वन। बात क्लियर हो रही होगी, अब देखिए गौर से, तो वन से वन कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, वन से वन एक्स से एक्स कैंसिल और ये संख्या बच गई। तो आप देखेंगे तो मिलेगा वन माइनस एक्स का स्क्वायर, अंदर मिलेगा जीरो जीरो और वन प्लस एक्स स्क्वायर, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल क्लियर है। माइनस वन वन प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा जाएगा, माइनस एक्स और माइनस वन और वन लिखा जाएगा। अब लिखेंगे टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन ले लेंगे भाई, वन प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम फ्रॉम सी वन, आप सी वन में से कॉमन ले लेंगे, सी वन मतलब कि ये कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन ले लिया आपको जीरो में से। तो भाई देखो मैंने पहले भी बताया था जीरो के पास तो कुछ भी लिखा जा सकता है, इसलिए टेंशन ही मत लेना जीरो की। तो अभी क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन जीरो जीरो वन। आप मेरे साथ साथ कॉपी कर रहे हैं, देखो जो छूट गया ना पीछे याद रखिएगा वो नहीं बन पाएगा कुछ भी, अगर आपको मेरे साथ साथ कॉपी करना है तभी हो पाएगा। देखो अभी स्क्रॉल करते करते मैं यहां तक आ गया, पीछे वाले स्टेप्स आपको ना मिलने वाले और ना दिखने वाले, ऐसा नहीं होगा कि वन एक कोई ऐसा जगह होगी जहां पर मैं आपको पूरा का पूरा दिखाऊंगा, ये कॉपी कर लो एक साथ, आपको मेरे साथ साथ ही कॉपी करना होगा एक एक स्टेप, मैं भी तो लिख रहा हूं ना आपके साथ साथ।
जितनी स्पीड से मैं लिख रहा हूँ आप मेरे से ज्यादा स्पीड से भी लिख सकते हैं, मुझे तो आप रोक भी सकते हैं और खुद जल्द आगे बढ़ जाएंगे, आप तो चीटिंग भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये ना, अगर आप नहीं कॉपी कर रहे तो ये आपका आलस है। और मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही, इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही, कि अगर आप रेस्ट करना चाहते हैं तो पहले रेस्ट करें फिर वापिस आए, ओके, और तब ये क्वेश्चन करें। ये नहीं कि आपको हड़बड़ी है क्वेश्चन खत्म करने की, ओके। नाउ आगे आपके सामने है -1, 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर, देन -x, -1 और 1। यहां तक की बात क्लियर हुई। अब आगे क्या करना चाहिए, इवेल्युएट करना चाहिए। किसको इवेल्युएट करना चाहिए, मैक्सिमम जीरो की साइड को। तो यहां पर क्या है मैक्सिमम जीरो, C1 के अंदर, C1 में दो जीरो है, तो ये आप इसे और इसे कैंसिल कर देंगे, ये चारों संख्या है आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। करिए यहां पर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, उसके बाद ब्रैकेट लगाइए, आप मल्टीप्लाई कराइए ये मेन डायगोनल की, -1 और -1 1 होता है, फिर माइनस का निशान लगाइए, फिर उसके बाद आपके सामने ये है माइनस का एक्स और उसके बाद 1 प्लस एक्स। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा माइनस और माइनस तो होता है प्लस, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, उसके बाद ब्रैकेट 1 माइनस माइनस प्लस, और इस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो प्लस का एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर। आप देखेंगे गौर से तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक तरफ मिला, और 1 प्लस एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर एक तरफ मिला, दोनों सेम संख्या दिख रही है। मैं इसको एक साथ दोनों का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ये आपने एलजेब्रा जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी सिखा देते हैं। अगर दो अलग अलग जगह पर स्क्वायर लिखे हुए हैं मल्टीप्लाई में है तो एक साथ लिख लीजिए। और इसके लिए मैंने अभी बताया है फॉर्मूला होता है a³ - b³ का, और ये आपने प्रूफ कर दिया। बात समझ में आई किस तरीके से प्रूफ करना है, बहुत आसान है, आपको मैंने लिख के दिखा दिया है। अगर आप पीछे हैं तो आप वीडियो को पहले पीछे लेके जाएं और करें, अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करें और फिर उसके बाद आए, ठीक है ना। इतने में इसे रब कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो है, ऑफ कोर्स आपने इसे ट्राई करने की कोशिश तो की होगी। अगर मैं 13 क्वेश्चन की बात करता हूं तो ये एक सर्टेन प्रोसेस से होगा, हालांकि मैं उसे देखो फिर कोशिश करूंगा सिखाने की, मैं कोशिश करूंगा कि आपको खुद से आ जाए, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए 100% में से 1% तो टिपिकल चीज मिलेगी, और उनमें से क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है ना। और आगे भी एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, एक क्वेश्चन वो तो सबसे टिपिकल होगा, है ना, लेकिन एक आदि क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे, बाकी सारे ऐसे नहीं मिलेंगे। तो एक के चक्कर में पूरी एक्सरसाइज को कठिन मत बनाइए, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 के पास गए हैं, और 13 क्वेश्चन में हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है। यहां दे रखा है 1 प्लस a² - b², उसके बाद 2ab एंड देन माइनस का 2b। यहां दे रखा है 2ab देन 1 माइनस a² + b² देन 2a। यहां दे रखा है 2b माइनस का 2a एंड देन 1 माइनस a² - b². आपको राइट साइड में लेके क्या आना है इसे जरूर देखिए, 1 प्लस a² + b². अब मैं आपसे ये कहूंगा कि वैसे तो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आप रट लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है। इकलौता क्वेश्चन है, अब आराम से याद हो जाएगा, सारे थोड़ी याद करने हैं। देखो आपको लाना है 1 प्लस a² + b² और ये है 1। देखो आप सीधे सीधे देखो 1 प्लस a² - b² 1 प्लस a² - b² और इधर देखिए ये लिखा हुआ है 2b। तीसरे वाले को देखिए, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई b के साथ करा दूं तो 2b² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अगर मैं इसमें इसे जोड़ दूं तो क्या 2b² जुड़ने के बाद ये बड़ी संख्या का निशान आता है 1 प्लस a² + b² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब संख्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। बस ये चीजें जो मैंने अभी आपको करके दिखाई, ऐसे ही सोचा जाता है, सहूलियत नहीं मिलती है पेपर में हर बार, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई बच्चा कहेंगे नहीं हमें समझ नहीं आ, तो रट लीजिए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन आ रहा है, तो r1 tends to r1 फिर प्लस टू, सॉरी टू नहीं b, r1 + b r3 सॉरी गलती हो गई, ये लिखते हैं r1 tends to r1 फिर प्लस br3। अब सही, r1 मतलब ये, r3 मतलब ये, r3 में b की मल्टीप्लाई करा के r1 के साथ जोड़ना है,
ठीक है, बात क्लियर होती है, समझ में भी आती है। तो इसको एप्लीकेबल करते हैं, ये मैंने एप्लीकेबल करना शुरू कर दिया, या एक साथ दूसरी प्रॉपर्टी बता ही देता हूँ ना। एक्चुअली कंफ्यूजन ये हो रही है कि मैं एक साथ कराऊं कि ना कराऊं। अब मैं करा सकता हूं, इतने बड़े हो गए, एंड आर टू भी कर लेते हैं, आर टू में चेंज करते हैं। आर टू में क्या चेंज करते हैं, देखो भाई आर टू है आपके सामने ये 1 + 1 - a² + b² और आर थ्री है ये, अगर मैं इसकी a से मल्टीप्लाई कराऊं तो 2a² होगा और इसमें से इसे घटाऊं तो आंसर आ जाएगा। चलो चेक करते हैं, 1 - a² + b² में से घटाना है माइनस का 2a², तो माइनस और माइनस तो प्लस होता है 2a², और जब प्लस का 2a² हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोनों को तोड़ेंगे तो a², बस। ये थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी, मैं सोच रहा था अगले स्टेप में कराऊं या एक साथ कराऊं, तो फिलहाल मैं एक साथ ही करा दे रहा हूं, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधा एक स्टेप में, क्योंकि मैं जनरली बच्चों को एक स्टेप में ही कराता हूँ। अभी फिलहाल मैं एक एक स्टेप दो दो करके करा रहा हूँ, बट जनरली एक करके कराता हूँ। तो फिलहाल आप एक ही स्टेप में करें, आर टू टेंस टू आर टू माइनस का ए आर थ्री। ओके, बात क्लियर हो गई। अब देखो मैं फिर बता देता हूँ, दो स्टेप एक साथ कब कर सकते हैं, जिसमें मैं चेंज कर रहा हूँ, किसमें चेंज कर रहा हूँ, आर टू में, है ना, और पहले किसमें चेंज हो चुका है, आर वन में। तो आर वन जो है यहां दूसरे वाले स्टेप में R1 नहीं आना चाहिए, देख सकते हो आप R1 नहीं है, देखो यहां पर भी R1 नहीं है, यहां पर भी R1 नहीं है, यहां पर भी R1 अगर दोबारा से आ गया एक साथ तो दो स्टेप नहीं कर सकते। यानी जिसमें पहले चेंज हो चुका है, जिसमें पहले चेंज हो चुका है यानी कि ये, उसको हम दूसरे स्टेप में नहीं लिख सकते, ये बात याद रखना, तब दो स्टेप एक साथ कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल मैं इसको करके दिखाता हूं, ये देखिए स्टेप बाय स्टेप पहले लिखूंगा तो तरीके से देखिएगा। R1 में चेंज कर रहे हैं, R1 + BR3 इसकी बात हो रही है, देखो R1 + BR3, R1 तो ये है और R3 ये है ना, R3 में B की मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, 1 + a² - b² फिर प्लस का निशान BR3, इसमें R3 में B की मल्टीप्लाई करा के 2b² आप जोड़ देंगे, फिर R1 ये है और R3 ये है, देख सकते हो दोनों की तरफ मैंने एरो लगा दिया, R1 में क्या है 2ab, फिर प्लस BR3, इसमें आपने b की मल्टीप्लाई कराई तो माइनस का 2ab आ जाएगा। ठीक है, R1 ये है और R3 ये है, तो आपने क्या किया, ये लिखा माइनस का 2b, फिर प्लस का निशान लगाया, फिर उसके बाद BR3, इस पूरे में b की मल्टीप्लाई कराई, तो b की मल्टीप्लाई करा के बताइए जरा कितना आ जाएगा। मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ साथ साथ, और इसको थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूँ, 2 मिनट। इतने में आ जाए तो हम इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको साफ दिख रहा होगा, हमने किसकी मल्टीप्लाई करानी है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करानी है बी की, तो बी की मल्टीप्लाई कराइए 1 में, तो कितना आ जाएगा बी, फिर उसके बाद माइनस का a² b, फिर माइनस का b³। ठीक है, बात क्लियर हुई बिल्कुल, ये हमने एक स्टेप कर दिया। अगले स्टेप पे चलते हैं, अगला स्टेप क्या है, आर टू टेंस टू आर टू। अब देखो मैं इसे पहले रब करके क्लीन करके आपको दिखा देता हूँ आर टू क्या है, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। आर टू मतलब कि ये आर टू है ना, आर टू को चेंज करना है, क्या चेंज करना है, माइनस का ए आर थ्री, माइनस का ए आर थ्री, तो आर थ्री ये है, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे ए की और घटा देंगे, तो चलो इस बात को करके दिखाते हैं, तो 2ab तो आर टू है, माइनस करेंगे और ये हो जाएगा 2ab, है ना, ए की मल्टीप्लाई करा के घटा देंगे, फिर ये आपके सामने है आर टू ये वाली संख्या और उसे घटाएंगे, तो पहले आर टू लिख लेते हैं, 1 - a² + b² फिर माइनस करेंगे, ब्रैकेट लगा लेता हूँ, और इसमें मल्टीप्लाई किसकी करनी है, आपको मल्टीप्लाई ए की करनी है, तो माइनस का 2a², ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ देखिए पहले तो ये लिखेंगे 2a, माइनस का ब्रैकेट लगाइए और इसमें मल्टीप्लाई करनी है आपको किसकी, इसमें मल्टीप्लाई ए की करनी है, तो हो जाएगा a माइनस का a³ माइनस का ab² ब्रैकेट बंद। ध्यान से समझिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्लियर कर लीजिएगा, ये एक स्टेप है, ये एक स्टेप है ना, और बाकी ये एक स्टेप है, ये एक स्टेप है इसके नीचे, और ये तो आपके सामने दिख ही रहा है ना, उसके बाद बाकी का जो है वो लिख लेंगे ऐसा का ऐसे ही, वो क्या है 2b माइनस का 2a और 1 - a² - b², इतना काम समझ में आ गया। अब इसी स्टेप को आगे हम सॉल्व करने वाले हैं, और आप मेरे से पहले कर सकते हैं तो बिल्कुल करेंगे। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 2b में से 1b को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, ये आ जाएगा हमारे पास 1 + a² + b² इधर तो आपका 0 ही आ गया ना, ये देखिए ये 2ab में से 1ab घटा देंगे तो 0 ही आ गया, ये लिख दिया 0। इधर बात करते हैं, इधर इधर तीसरे वाले में देखो माइनस का 2b और प्लस का b, देखे ना, ब्रैकेट खोल दीजिए,
आप ब्रैकेट एक साथ ही खोल सकते हो, देखो यहां लिख देता हूं, माइनस का 2b प्लस का b माइनस का स्क्वायर b और माइनस का b क्यूब। अगर इसे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का b माइनस का स्क्वायर b और माइनस का b क्यूब। अगर इन तीनों में से माइनस का b कॉमन ले लिया क्या बचेगा, 1 प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। नहीं समझ में आया तो स्टेप्स को दोबारा देख लो, मैं यही लिखने वाला हूं, मैं यहां लिखने वाला हूं माइनस का b कॉमन 1 प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ओके, आप एक स्टेप भर सकते हैं, एक स्टेप इसका कर लीजिए, एक स्टेप इसका कर लीजिए, फिर ये स्टेप पे आ जाइए। आप तीन स्टेप्स और कर सकते हैं, मैं एक साथ डायरेक्ट कर रहा हूं, है ना, इतनी कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। एक एलिमेंट के लिए तीन स्टेप्स को भरना थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, इसमें से देखिए घटाएंगे तो कितना बचेगा, जीरो बचेगा, है ना। अभी मैं इसे साफ कर देता हूं पहले, ताकि आपको क्लीन होके दिखे हम किसकी बात कर रहे हैं, वो आपको बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं इसकी, इसकी बात कर रहे हैं, ओके, इस वाले पार्ट की। अब इस वाले पार्ट में देखो क्या होगा, मैं इस पार्ट को लिख के दिखाता हूं। देखो लिखा है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर में से 1a स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम बात करेंगे लास्ट वाला जो पार्ट है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट आ गया, क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस में अधिकतर बच्चों की गलती हो जाती है। हम इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले सेक्शन की, ठीक है। तो इस वाले सेक्शन को मैं लिख के दिखा रहा हूं, इस वाले को ना आप भी रफ में कर सकते हो। 2a माइनस, देखो बाहर माइनस है, अंदर वाले निशान बदल दीजिए, माइनस का a प्लस का a क्यूब प्लस का a b स्क्वायर, सीधा सीधा है, माइनस का बाहर निशान है, अंदर वाले निशान बदल जाएंगे, या गलती करते हैं बच्चे कई सारे। तो a 2a में से a घटाएंगे तो a प्लस का बचेगा, फिर a क्यूब प्लस का a b स्क्वायर, फिर a कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं a कॉमन 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको बात क्लियरली समझ में आ गई है, जो काम मैंने रफ में करके दिखाया वो काम आप भी रफ में कर सकते हैं, क्योंकि इसके नंबर आपको नहीं मिलने वाले। यहां पर है 2b, यहां पर है माइनस का 2a, यहां पर है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो कैसे करेंगे, आप लिखेंगे टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम आर वन एंड आर टू रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली आपने एक एक करके दोनों में से कॉमन लेना है। तो पहले आर वन की बात कर लेते हैं, ये आर वन है, आपने कॉमन लेना है, जीरो के पास तो कुछ भी कॉमन ला सकता है, मैंने बताया था अभी अभी, है ना। तो आप लिखेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपने आर वन में से कॉमन लिया, और आर टू में से भी कॉमन लेना है, तो इसका मतलब दो बार कॉमन आ गया, स्क्वायर बना दीजिए, अंदर बचेगा 1 0 माइनस बी, यहां बचेगा 0 1 ए, यहां बचेगा आपके सामने 2b माइनस का 2a और 1 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरे साथ साथ कॉपी पे लिखते जाए। चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लिया, बहुत अच्छा है, समझ में आता है। अब आप क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस करके इवेल्युएट करेंगे। आप लिख सकते हैं इस बात को, आप लिखेंगे इवेल्युएट इवेल्युएट आर वन। तो कैसे इवेल्युएट करेंगे, बहुत आसान है, सबसे पहले आप प्लस का एक लेंगे, मैं यहां ब्रैकेट लाके लिखता हूं एक, और उसके बाद फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देंगे, ये चारों की चारों संख्या आपकी जो है इसको लिखना है, तो इसकी मल्टीप्लाई पहले करा दीजिए, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस का निशान लगेगा, और उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो एक ही 2a में मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 2a आएगा, और माइनस पहले से लगा हुआ है तो प्लस का 2a कर दो और स्क्वायर भी, ठीक है ना। उसके बाद जीरो तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ दीजिए, फिर प्लस का लिख लेते हैं, प्लस और माइनस कितना होता है, माइनस होता है, तो माइनस का बी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट, ये देखो मल्टीप्लाई जीरो आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई टू बी आएगा। कैलकुलेशन आपकी है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस थोड़ी सी कोशिश करिएगा। अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर मेरी बात सुनी है, मेरी बात मानी है, तो डेफिनेटली आपको चीजें आसान लग रही है, ठीक है ना। नहीं सुनी है तो दोबारा से देखेंगे जाके, ये देखो आपकी लापरवाही है जिसकी वजह से आपको यहाँ पर चीजें आप समझ नहीं आ रही, ठीक है। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा जाएगा, होल स्क्वायर लिखा जाएगा, ब्रैकेट लिखा जाएगा, 2a में से एक एक को घटाया जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि प्लस के बड़ी संख्या का निशान माइनस का बी स्क्वायर, और माइनस का बी और प्लस माइनस का 2b की मल्टीप्लाई तो प्लस का 2b स्क्वायर हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस का आएगा, हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां आ जाएगा 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आप देख सकते हो द फाइनल आंसर इज हियर।
ये आ गया आपका फाइनल आंसर। आपने भी सीखा और मैंने कहा लेंथी क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम में आते हैं इसके क्वेश्चंस, कंपलसरी है, तो आप इसे जल्दी से पूरा करें, अगला क्वेश्चन भी ट्राई करें, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको हम कर रहे हैं। आप जल्दी से कॉपी पे क्वेश्चन नंबर 14 लिखें और मेरे साथ साथ स्टेप्स करें, और अगर उससे आगे भी कर सकते हैं तो बेहतर है, आप आगे भी करें। ए बी देन ए सी, उसके बाद है ए बी एंड देन बी स्क्वायर प्लस वन एंड देन बी सी, उसके बाद है सी ए देन सी स्क्वायर सी बी एंड देन सी स्क्वायर प्लस वन। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से चेक कर लेना, क्वेश्चन कॉपी करने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही किया है कॉपी, ठीक है। उसके बाद राइट साइड में ये लेके आना है, मैंने कहा है इस स्टेप में भी आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि कैसे सॉल्व किया जाए, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जो मैं स्टेप बता रहा हूं उस स्टेप्स को फॉलो कर। आप लिखे टेकिंग कॉमन ए कोमा बी कोमा सी फ्रॉम आर वन कोमा सी वन लिख लेते हैं, चलो या आर वन लिख ले, आर वन कोमा आर टू एंड आर थ्री रेस्पेक्टिवली। आपने आर वन आर टू आर थ्री में से एबीसी कॉमन लिया और रेस्पेक्टिवली लिया, यानी कि ये है आपके पास आर वन, इसमें से आपने ए कॉमन लिया है, ए क्या कॉमन लिया है ए, तो आपने यहां पर लिखा है ए, ये मैंने लिख दिया ए, और आर टू ये है इसमें से बी कॉमन लिया है, और आर थ्री ये है इसमें से सी कॉमन लिया है। अब कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, मैं फिर से रिपीट करता हूं, कॉमन का मतलब डिवाइड करना, टू प्लस सिक्स होता है, दो कॉमन लेंगे मतलब टू डिवाइड बाई टू प्लस का सिक्स डिवाइड बाई टू, यही होता है सेम मीनिंग, वन प्लस का थ्री आंसर आ जाएगा। अगर टू प्लस फाइव लिखा हुआ है तो टू कॉमन लेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि टू डिवाइड बाई टू प्लस फाइव डिवाइड बाई टू, सिंपल है, तो आप देखेंगे तो आंसर आएगा वन प्लस का फाइव बाई टू। तो जिस बच्चे को कॉमन लेने में परेशानी हो तो बता दूं कॉमन का मतलब ही डिवाइड होता है, वापस मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही संख्या। जब भी आपको कहा जा रहा है कि आप कॉमन लीजिए तो इसका मतलब आपको ये कहा जा रहा है उस पार्टिकुलर वैल्यू में से आप डिवाइड कर दीजिए और बाहर लिख लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने डिवाइड करने के कॉन्सेप्ट से बताया है। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस वन दे रखा है, मैंने ए कॉमन लिया यहाँ से, तो क्या आ जाएगा यहाँ बचेगा ए स्क्वायर अपॉन में ए प्लस वन अपॉन में ए, तो ए स्क्वायर से ए कट जाएगा तो क्या बचेगा ए, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पर, मैं लिख रहा हूं ए प्लस वन अपॉन ए, यहां से ए कॉमन लेंगे तो बचेगा बी, यहां से ए कॉमन लेंगे तो बचेगा सी, बहुत सिंपल है। उसके बाद यहां से पूरे में से आपको बी कॉमन लेने के लिए कहा गया है, तो पहले वाले में से बी कॉमन लेंगे तो बचेगा ए, दूसरे वाले में से बी कॉमन लेंगे तो बचेगा बी प्लस वन अपॉन बी, याद रखिएगा। उसके बाद यहां तीसरे वाले में से कॉमन लेंगे बी तो सी बचेगा, फिर तीसरे वाले जो पार्ट है ये तीसरा वाला जो आपका रो है इसमें से आपको सी कॉमन लेना है, तो पहले इसमें से अगर सी कॉमन लेंगे तो बचेगा ए, यहां से आप कॉमन लेंगे सी तो आएगा बी, यहां से कॉमन लेंगे सी तो बचेगा सी प्लस का वन अपॉन सी, और ये बात आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आनी चाहिए। मैंने कहा था 1% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे परेशान करेंगे, उसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं। अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय ए बी सी फ्रॉम सी वन सी टू एंड सी थ्री रेस्पेक्टिवली, यानी पहले कॉमन लिया अब मल्टीप्लाई कराए, कॉमन लिया रो में से तो मल्टीप्लाई कॉलम में करा दी, अगर कॉमन लेते कॉलम में तो मल्टीप्लाई रो में से कराए थे, इसे रटने की जरूरत नहीं कि किस में ले रहे हैं, है ना, एक में से कॉमन लेंगे तो दूसरे में मल्टीप्लाई, उसी में सेम में करा देंगे तो वही संख्या वापस नहीं आ जाएगी। अच्छा मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि अगर किसी संख्या से बाहर से मल्टीप्लाई कराओगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये देखो मैंने डिवाइड भी कर दिया और अंदर मल्टीप्लाई भी करा दिया, तो पहले कॉलम में मेरे को ए से मल्टीप्लाई करानी है तो बचेगा ए स्क्वायर फिर प्लस का वन, मल्टीप्लाई करा के देख लो यही बचेगा, यहाँ ए स्क्वायर ए स्क्वायर, दूसरे कॉलम में आपको बी से मल्टीप्लाई करानी है बी स्क्वायर प्लस का वन, ये आ जाएगा बी स्क्वायर, तीसरे कॉलम में आपको सी से मल्टीप्लाई करानी है सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का वन, बात क्लियर है और समझ में भी आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये कैंसिल कर देना है। अब आपके सामने जो संख्या है आप देखेंगे तो आप जो प्रूफ करना है आप देखेंगे उस तरफ हम पहुंच रहे हैं, क्या प्रूफ करना है कैसे पहुंच रहे हैं, आप लिखेंगे सी वन टेंस टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, तो आप गौर से देखेंगे यही लेके आना था हमें, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहां पर जब आपने किया तो ये है सी वन,
इसमें आपने जोड़ा है C2 और C3 को, तो आप जोड़ लीजिए, आएगा 1 + a² + b² + c², यहाँ पर 1 + a² + b² + c², यहाँ पर 1 + a² + b² + c². बाकी संख्या ये C2 वाली कॉमन ऐसे कैसे लिख जाएंगे, ये b² आ जाएगा, b² + 1 आ जाएगा b², ये C3 भी ऐसे कैसे लिखेंगे, c² + 1। नाउ टेकिंग कॉमन 1 + a² + b² + c² फ्रॉम C1, तो कॉमन ले लीजिए 1 + a² + b² + c² और कॉमन बाहर आ गया, तो अंदर बचा 1 1 1, यहाँ बचा b², यहाँ बचा b² + 1, यहाँ बचा b², इधर c² + 1। और जब आप इसे आगे सॉल्व करने लगे तो बहुत आसान है, r1 में चेंज करेंगे r1 माइनस का r2, तो सॉल्व कर लेते हैं, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा आपके पास 1 + a² + b² + c² और अंदर चेंज करते हैं तो इसमें से घटाइए, जरा घटाइए, इसमें से क्या आएगा, यह आएगा 0 एंड देन b² - b² - 1 c² - c², है ना, उधर आएगा 1 b² + 1 और c², इधर आएगा 1 b² और c² + 1। आसान है, बहुत आसान है, आप देखेंगे तो ये b² से b² कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, माइनस वन बचेगा, ये कट जाएगा तो प्लस 0 बचेगा, ठीक है ना। अब आप सॉल्व करेंगे तो क्या देगा, 1 + a² + b² + c² और ये आ जाएगा आपके पास 0, यहाँ जाएगा -1, यहाँ जाएगा 0, यहाँ जाएगा 1 b² + 1 और c². आप आगे भी कर सकते हो, आप अगला स्टेप भी कर सकते हो, क्या स्टेप है अगला, आप अगले स्टेप में इस वाले में से इसे घटाएंगे, यानी कि R2 में चेंज करेंगे R2 माइनस का R3, तो यहाँ पर 0 बन जाएगा, 2 0 बन जाएंगे, तीसरा तो बनेगा ही नहीं। अब जब 2 0 ऑलरेडी मेरे पास पहले से ही है तो मैं क्यों अगला स्टेप भरूं, चाहूं तो भर सकता हूं, ऐसा नहीं है कि आपके नंबर कट जाएंगे, नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन नंबर मिलेंगे भी तो नहीं ना एक्स्ट्रा, तो आप क्या करिए, आप डायरेक्ट इवेल्युएट कर दीजिए, जब यहां तक पहुंच गए, मेरे को तो एक रो या एक कॉलम में 2 0 ही चाहिए होते हैं, 3 0 अगर मिल गए सपोज कर ले तो वो तो क्वेश्चन ही 0 हो जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना कुछ तो संख्या आ ही रही है, तो इसका मतलब 2 0 मिल चुके हैं, मेरा काम हो गया, मैं कर लूंगा इवेल्युएट R1, तो R1 में ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो आप माइनस और ये तो दोनों लेने ही नहीं है ना, ये वाले संख्या बस माइनस और माइनस प्लस होता है, डायरेक्ट ले लीजिए, आंसर आ जाएगा 1 + a² + b² + c² और यहाँ पर लिखेंगे आप 1 और ब्रैकेट, आप ये कैंसिल और ये कैंसिल, आप मल्टीप्लाई कराइए, आप मल्टीप्लाई कराइए 1 की c² + 1 से, तो c² + 1 माइनस का 1 की c² से, तो c², आप इसे कट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1 और दिस इज द फाइनल आंसर 1 + a² + b² + c² हेंसफोर्थ। बात के लिए बिल्कुल समझ में आया होगा आपको, और मैंने कहा है कि हर जगह मैं आपको सहूलियत नहीं दे सकता, ये मैथमेटिक्स है, आपको ऐसा नहीं लगे होगा कि आप हर जगह आसान कर ले, हर जगह चीजों को आसानी से सीख जाए, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। तो ये लास्ट के 2 क्वेश्चंस चैलेंजिंग है, ऑफ कोर्स चैलेंजिंग है, मैं एग्री करता हूँ आपके साथ, ये 3 ही मान लीजिए, तो मैंने 12, 13, और 14 क्वेश्चन के लिए कहा था कि रेस्ट करके आइए और फिर से करिए, चाहता तो मैं इसे अलग से शूट करता, अलग से एक वीडियो बनाता, लेकिन नहीं, मैंने एक ही लेक्चर में सोचा है, लेकिन आप इसे 2 पार्ट में देखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये 3 क्वेश्चंस भी हो गए, अब आगे बढ़ जाते हैं, और बहुत आसान क्वेश्चन है, कहता है लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3, देन आपको बताना है डिटरमिनेंट ऑफ के ए कितना होगा, के ए, तो देखो मैं इसको यहीं पे करके दिखा देता हूँ, अभी के अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं 3 by 3 की जगह, चलो 3 by 3 लिख लेता हूँ, एक मैट्रिक्स लिखता हूँ अपनी मर्जी से, मैंने एक मैट्रिक्स लिखी और वो मैट्रिक्स लिखी मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर मेरे को कह रहा है के की मल्टीप्लाई करा, तो के की जगह मैं क्या करता हूँ 2 की मल्टीप्लाई करा देता हूँ, 2 की, तो आपने कराई मल्टीप्लाई, 2 1 2 2 4 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 और 2 8 16 2 9 18, बहुत आसान है। अब आपको कह रहा है इसका डिटर्मिनेंट बनाओ, तो इसका डिटर्मिनेंट बना देते हैं, ये बना दिया 2a और इधर पे डिटरमिनेंट बना दो 2 4 6 8 10 12 और 14 16 18। अब गौर से देखो
डिटर्मिनेंट में, जैसे मैट्रिक्स में तो देखो जब मल्टीप्लाई कराते तो सब में मल्टीप्लाई कराते, देखो ना सब में मल्टीप्लाई, दो की मल्टीप्लाई यहाँ हुई तो सब में मल्टीप्लाई कराई सारे एलिमेंट्स में, ये तो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है। लेकिन डिटर्मिनेंट्स के अंदर अगर हम कॉमन लेते हैं जब, तो एक रो या एक कॉलम में से लेते हैं, तो अगर मैं पहले रो में से दो कॉमन, दूसरी रो में से दो कॉमन और तीसरी रो में से दो रो कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, ये आ जाएगा 2a, बाहर आएगा 2 × 2 × 2, या फिर कह सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लिखना ज्यादा बेहतर है, तो मैं 2 की पावर 3 लिख देता हूँ। और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आप गौर से देखोगे ये क्या है, ये आपकी मैट्रिक्स ए आई नहीं आई, तो यानी कि इस पर डिटर्मिनेंट लगा देंगे तो सेम संख्या वही वापिस आ गई, ये संख्या वापिस सेम आ गई ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये यहाँ पर ए क्यूब बना। तो ये याद रखना अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो एक यहाँ पर जो भी संख्या थी कांस्टेंट की उसका क्यूब बना डिटरमिनेंट करते वक्त, और अगर 2x2 की मैट्रिक्स होगी और स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकती है वरना डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं बनेगा, तो यहाँ पर पावर 2 होगी। तो कॉन्सेप्ट क्या बना और इसका आंसर कैसे देना है मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया था, नहीं करना इतना सारा, सोचने के लिए बताया था। मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट्स बनाने के लिए कॉन्सेप्ट है, मैट्रिक्स में अलग है कॉन्सेप्ट और डिटरमिनेंट में अलग। फिलहाल आपको अगर स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 की दे रखी है तो बता दूं के ए का डिटरमिनेंट बराबर होता है के क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा इसमें से, सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। अगर यही 3x3 की जगह 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स होती तो यहाँ पर 2 लिखा होता, बस इतनी बात याद रखिए। उसके बाद कहता है 16 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, करेक्ट कौन सा करेक्ट है, कहता है डिटरमिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, कहता है डिटरमिनेंट इज नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, और कहता है डिटरमिनेंट इज नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कहता है डिटरमिनेंट जो है उसके नंबर्स ऐसे एसोसिएटेड हो जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह हो, नंबर्स डिटरमिनेंट्स के नंबर्स, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये नंबर्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह अरेंज हो ऐसे और ऐसे, इसी तरीके से 1, 2, 3, 4 तो ये ऐसे और ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 या 3x3 या 1x1 या 4x4, तो डिटरमिनेंट तभी निकाला जा सकता है। तो इसका मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन में देखे जाए तो आप इसमें 15 और 16 की बात करें तो 15 का आंसर भी सी आ रहा है और 16 का आंसर भी सी आ रहा है। आज की क्लास फिनिश करते हैं और एक बात लास्ट में कह के मैं इस क्लास को खत्म कर देता हूँ, वो बात ये है कि अगर आप जैसे ऑफलाइन कोचिंग्स पढ़ते थे इसी तरीके से उसी फ्रेम ऑफ माइंड से अगर इस एक्सरसाइज को करेंगे, ऑफ कोर्स आपके पास अब ऑप्शन है, आप इस वीडियो को 2 बार में देख लीजिए, आप इस पूरी वीडियो को 3 बार में देख लीजिए, आपकी मर्जी चलेगी आप उसे 5 बार में देख लीजिए, ठीक है। लेकिन जब भी देखें कॉपी पेन लेकर बैठे और जितना काम दिया जाए उसको पहले कंप्लीट करें तभी आगे बढ़े, अदरवाइज आगे मत बढ़े। अगर ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, और एक बार टॉपिक समझ में आ गया तो फिर बहुत आसान हो जाएगा आपका पढ़ना, ठीक है ना, और स्कोर करना भी। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास ये फिनिश कर रहा हूँ, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए फ्रेश टॉपिक के साथ जिसका नाम क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। छोटा सा टॉपिक है, यूं ही खत्म हो जाएगा 10-15 मिनट मैक्सिमम। ओके।